गुड मॉर्निंग सबको सबको नमस्कार हमारी टीम की तरफ से। और उषा मैम का गाइडेंस है कि हम शुरू कर सकते हैं कार्यक्रम आज का। तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप 4 दिन से हमारे साथ जुड़े रहे और शायद कुछ हमने मिलजुल कर आपस में सीखा फिजिकल एजुकेशन के बारे में, फिजिकल लिटरेसी, एक थोड़ा सा नया पहलू भी आप लोगों से अवगत कराया हम लोगों ने। तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि हमारी व्यायाम शिक्षा क्लास में हम जीवन विद्या कैसे सिखाएं। व्यायाम शिक्षा में जीवन विद्या, लाइफ स्किल, ह्यूमन वैल्यूज को कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि हम एक बात हमें बार बार सुनने को मिलती है। मेरे जो गुरु जी बोलते हैं कि सुनने की बात सुनाने के काम आती है और समझी हुई बात जीने के काम आती है। तो जो समझी हुई बात है वो जीने के काम आए हमारे शिष्यों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। उसके लिए एक अच्छी समझ के साथ फिजिकल एजुकेशन कराना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू हो जाता है। और ये जो फिजिकल एजुकेशन जीवन विद्या वाला पार्ट है, ये एक आपको बुक दिखा रहा हूँ, शायद काफी लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, नागराज जी का बुक है। इसको, इस स्रोत को हमने स्पोर्ट्स के एंगल से पढ़ा है इसको, और एक व्यायाम शिक्षा कैसे करानी चाहिए उसके अंदर हमने इंटीग्रेट किया है। तो आज का सेशन मेरे साथ मेरी कुलीग श्रुति भी मुझे सहयोग देंगी। श्रुति, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। थैंक यू। हाँ एक बार स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। नमस्कार सभी का। तो मेरे साथ श्रुति जी जुड़े रहेंगी। जैसा आपको बताया कि हमारा एक जो सेशन है, ये हमारे कंटेंट के स्रोत है नागराज जी का, जीवन विद्या का जो बड़ा फेमस लिटरेचर है उससे हमने प्रेरित होके बनाया है। और इसके बारे में आपको मैं जरूर समझाना चाहता हूँ कि हम बात करते हैं जीवन विद्या, या ये अलग अलग पहलू हम मानते हैं कई बार कि हमारा ईवीएस का क्लास अलग है, मॉरल एजुकेशन का क्लास अलग है, पर फिजिकल एजुकेशन, जैसा आप सब सहमत हैं इससे कि हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को अलग अलग तरीके की परिस्थिति देने के लिए, वो परिस्थिति चैलेंज के लिए, उनके फन के लिए, उनके इंटरेक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इतना रिच जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, तो ओलंपिक की वैल्यूज हैं, हर स्पोर्ट्स की बड़ी डिफाइंड मूल्य रहते हैं खेल के, और हम कई बार ऐसे शब्द यूज करते हैं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एक फ्रेमवर्क का जरूरत लगा हमें कि हमारे व्यायाम शिक्षक को अगर एक ऐसा फ्रेमवर्क दें जिसके जरिए वो सही समझ, जब बात के सही समझ जो जीने के काम आए, वो सही समझ अपने अंदर भी पैदा करे, अपने अंदर डेवलप करे, और सही समझ हमारे शिष्यों के अंदर भी पैदा करे। तो ऐसा जरूर हमने फील किया कि अगर एक अच्छा फ्रेमवर्क रहेगा जिसके जरिए हम लोग ये बात कर पाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए हमने इसको आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात शुरू से हम लोग कहना चाहेंगे कि आज का जो कंसेप्ट है ये कोई साइंस या थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव है। हम आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे, ये प्रस्ताव आपको सहमति है, असहमति है, या आप पूरी तरह से असहमत या सहमत नहीं है, ये आपकी अपनी डिस्क्रिशन पर है। आपके पास पूरा अधिकार है इसको जांचने का, परखने का, अपने अंदर से इवेल्युएट करने का। तो आज का जो प्रोसेस है इसमें हम बात करें तो ये ह्यूमन वैल्यू सबके पास है, हम सबके पास है, क्योंकि ये नेचुरली हमें एक्सेप्टेड है। हम सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेंगे आज, हम सिर्फ एंकर हैं आप तक तो वो बात पहुंचाने में। तो आपके पास टोटल फ्रीडम है कि अगर हम जो भी बात बोलें आप इंटरनल डायलॉग करें अपने आप से कि क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता है,
और आप अपने तरीके से इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रपोजल है सिर्फ, ये फैक्ट नहीं है। जैसे आप बोलते हैं फिटनेस के लिए एजिलिटी के लिए ड्रिल कराना, वो फैक्ट है, और जीवन विद्या एक प्रस्ताव है आपके लिए, और आप उसको, आपके पूरा अधिकार है उसको सहमत असहमत होने का। श्रुति आप लीड करेंगी अब? या श्योर, मैं स्टार्ट करूंगी एक रियल लाइफ स्टोरी से। ये कहानी है रमेश जो 9 साल का लड़का है और उसको पोलियो है। यह 2000 में वह एडमिशन लेता है एक गवर्नमेंट स्कूल में जो नेल्लो डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के स्टेट में। उसके पोलियो के कंडीशन की वजह से उसके पेरेंट्स उसको हाफ एन आवर पहले स्कूल में ड्रॉप करते थे और हाफ एन आवर के बाद पिकअप करते थे। एक दिन स्कूल का पीई टीचर चंद्रशेखर सर रमेश को देखते हैं। कंपाउंडर से उन्हें मालूम पड़ता है कि रमेश 4th grade का स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, और उसको पोलियो है। नेक्स्ट डे जब 4th grade के स्टूडेंट्स पी क्लास के लिए ग्राउंड पर आते हैं तब रमेश नहीं आता ग्राउंड पर। स्टूडेंट से पूछने पर चंद्रशेखर सर को मालूम पड़ता है कि रमेश एजुकेशन में, स्टडीज में, एकेडमिक्स में अच्छा है, मगर वह ग्राउंड पर नहीं आता खेलने के लिए और वह पी क्लास को नहीं आता। चंद्रशेखर सर क्लास जाकर रमेश से पूछते हैं कि वह क्लास क्यों नहीं आया। रमेश बोलता है कि सर मेरी ऐसी कंडीशन है, मुझे पोलियो है, तो मैं क्लास में बैठना प्रिफर करता हूँ। चंद्रशेखर सर कहते हैं रमेश से कि उसको क्लास में आना चाहिए, ग्राउंड पर आना चाहिए, और वो बैठकर क्लास को ऑब्जर्व कर सकता है। सर के, गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए रमेश नेक्स्ट क्लास से अपने दोस्तों की मदद से ग्राउंड पर आने लगा। कुछ दिनों तक वह स्पेक्टेटर बना रहा, मगर धीरे धीरे वह गेम में इन्वॉल्व होने लगा, अपने दोस्तों को चीयर करने लगा और गेम में अपने दोस्तों को डायरेक्शंस देने लगा। ये देखकर चंद्रशेखर सर रमेश को कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई जो उसी की तरह पोलियो कंडीशन से सफर कर रहे थे, मगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके एक बेहतर जिंदगी जी रहे थे। इससे रमेश को मोटिवेशन मिला। वह अपने टीचर से कहने लगा, सर अगर ऐसी कोई छोटी या लो इंटेंसिटी एक्टिविटी हो जिसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। रमेश का इंटरेस्ट देखकर चंद्रशेखर सर ने अगले कुछ सेशंस में थोड़े मिनट लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज डिज़ाइन किए जिसमें रमेश पार्टिसिपेट करने लगा। इनिशियली कुछ क्लासेस में वह गिरने लगा जिससे वह बहुत इन्फीरियर फील करने लगा, मगर अपने सर के गाइडेंस से, सपोर्ट से, अपने दोस्तों के मोटिवेशन से, एंकरेजमेंट से उसका पार्टिसिपेशन लेवल जारी रहा, उसका गिरना कम हुआ। इसी बीच रमेश के पेरेंट्स स्कूल आकर चंद्रशेखर सर से मिले तो सर ने रमेश के पेरेंट्स को रमेश के हेल्दी फूड चॉइसेस पर गाइड किया, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको हेल्प करने के लिए कहा, रमेश को अपने काम खुद करने के लिए उसे मोटिवेट करने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद रमेश क्रचेस की मदद से स्कूल आने लगा। ग्राउंड पर वह अपने दोस्तों की मदद से नहीं, क्रचेस की मदद से आने लगा। धीरे धीरे उसके ऊपर जो ह्यूमन डिपेंडेंसी था वो बहुत हद तक कम हो चुका था, वह इंडिपेंडेंट होने लगा। आज का समय है कि रमेश 29 years का है और खुद का बिजनेस चला रहा है। जनवरी 2020 में जब वह अपना नया बिजनेस सेटअप किया था तो वह अपने स्कूल, अपने गुरु से आशीर्वाद लेने गया था। स्कूल में रमेश को देखकर दूसरे टीचर्स चंद्रशेखर सर से कहने लगे, सर आपके परिश्रम से आज रमेश आत्मनिर्भर बन ही गया, कंग्रेचुलेशंस। यह सुनकर चंद्रशेखर सर बहुत खुश हुए, साथ ही यह कहने लगे अपने दोस्तों से जो टीचर्स हैं कि रमेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेरे अलावा रमेश के पेरेंट्स का केयर, रमेश के फ्रेंड्स जो है उनका सपोर्ट, उसका एनकरेजमेंट, इन सब लोगों का योगदान है रमेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मैं पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकता, मगर मैं रमेश के लिए उसकी दुनिया चेंज करने में, बेहतर बनाने में सक्सेसफुल हो गया। साथ में टीचर ने ये भी कहा कि बच्चे जो भी नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट्स में गेन करते हैं उनका सही एप्लीकेशन होता है ऑन ग्राउंड, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो, एनालाइजिंग स्किल्स हो। पी ग्राउंड एक ऐसा एरिया है जब
वहां पर बच्चे रियल लाइफ फेस करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो ये थी एक छोटी कहानी। अभी हम आगे बढ़ेंगे सेशन की ओर। स्टार्ट करूंगी मैं फिजिकल लिटरेसी के रिकैप से। हम स्टार्ट करेंगे एक आइस ब्रेकर से, जहां पर आपको स्क्रीन पर कुछ इमेजेस फ्लैश किया जाएगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इमेज किस स्पोर्ट से जुड़ा है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। और आपका फर्स्ट ऑप्शन जो फ्लैश किया गया है स्क्रीन पर वो है मूवी दंगल। मूवी दंगल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है आइडेंटिफाई कीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर। रेसलिंग, यस यस यस, सही जवाब है रेसलिंग। आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। सर क्लिक कीजिए। सेकंड वन इज मूवी लगान। ये मूवी किस स्पोर्ट से जुड़ा है? क्रिकेट, कुश्ती, क्रिकेट, कुश्ती, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट इज द राइट आंसर। थैंक यू एवरीबॉडी। आगे बढ़ेंगे हम। चक दे मूवी, ये किस स्पोर्ट से जुड़ा है? ऑप्शन टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। चेक द मूवी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? हॉकी, हॉकी, यस हॉकी इज द राइट आंसर। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट ऑप्शन है मैरी कॉम। ये मूवी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? बॉक्सिंग, हॉकी, बॉक्सिंग, हॉकी, बॉक्सिंग इज द राइट आंसर। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट ऑप्शन इज भाग मिल्खा भाग। ये मूवी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, रेस, एथलेटिक्स इज द राइट आंसर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर एन अमेजिंग पार्टिसिपेशन। आगे बढ़ेंगे हम सेशन की ओर। शुरू करेंगे हम फिजिकल लिटरेसी के रिकैप से। फिजिकल डोमेन हमने पहले फिजिकल लिटरेसी सेशंस में डिस्कस किया है। कॉग्निटिव डोमेन है हमारे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द पार्टिसिपेशन। आगे बढ़ेंगे हम अभी सेशन की ओर। रिकैप ऑफ फिजिकल लिटरेसी से। फिजिकल डोमेन हमने पहले फिजिकल लिटरेसी सेशन में डिस्कस किया है। कॉग्निटिव डोमेन है हमारे अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, हमारे रीजनिंग स्किल्स। एफेक्टिव डोमेन है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे फीलिंग्स, बेसिकली वैल्यूज, वैल्यूज इंटीग्रेटेड इन ईच पी सेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट, शुरू करते हैं हम हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, जो है कॉम्पिटिशन वर्सेस एक्सीलेंस, मेडल्स फॉर अ फ्यू और फिजिकल लिटरेसी फॉर ऑल। देर विल ऑलवेज बी वन टॉपर इन अ क्लास, मगर क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि सारे बच्चों के स्कोर्स इम्प्रूव हो? स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिशन और एक्सीलेंस में हमेशा कन्फ्यूजन रहा है। एक्सीलेंस एक इंडिविजुअल की पर्सनल जर्नी है जिसमें कंपेरिजन नहीं होता। दूसरों को नीचे दिखाकर आगे बढ़ना, पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, इसको कंपटीशन माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हार्डवर्क नहीं करनी चाहिए और वी शुड नॉट एम फॉर एक्सेलेंस इन वॉट एवर वी डू, बी इट इन एकेडमिक गेम्स एंड स्पोर्ट्स और एनी अदर एक्टिविटीज। हमें हमेशा स्टूडेंट्स के पर्सनल ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। हमें हमारे स्टूडेंट्स के टैलेंट्स, एबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज को जानना चाहिए। जब कोई एक्सीलेंस की राह पर चलता है तो वह दूसरों को अपने लेवल पर लाता है। इन कॉम्पिटिशन वी लीव अदर्स बिहाइंड अस, बट इन एक्सीलेंस वी शेयर आर नॉलेज एंड रिसोर्सेज विद अदर्स। हमने खरगोश और कछुए की कहानी बहुत बार सुनी है। यही कहानी की मदद से हम बच्चों को कॉम्पिटिशन वर्सेज एक्सीलेंस का महत्व समझा सकते हैं। कहानी में खरगोश जो है कंपटीशन के राह पर चल रहा है। वह अपना कॉम्पिटिटर की एबिलिटीज पर फोकस करता है। वह ये जानता है कि कछुए की चाल बहुत स्लो है, उसकी स्पीड बहुत स्लो है। वह रिलैक्स हो गया, रेस के बीच सो गया, जिससे वह रेस हार गया। दूसरी तरफ कछुआ एक्सीलेंस की राह पर चल रहा था। वह अपने एबिलिटीज पर फोकस कर रहा था। वह जानता था कि उसकी स्पीड स्लो है, तो वह रेस में कहीं नहीं रुका। वह बढ़ते गया और वो रेस जीत गया। यही कहानी के मदद से हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि अगर कंपटीशन करना है तो खुद से करें,
खुद को हराए और खुद से जीते और एक्सेलेंस की राह पर बढ़े। और हमें एक्सेलेंस तभी मिलेगी जब हम खुद को बेहतर जानेंगे, और खुद को बेहतर जानने के लिए हम कुछ देर में सेल्फ एंड बॉडी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन वर्सेस एक्सेलेंस ऑन ग्राउंड क्या होता है, और इसमें अमित सर हमें हमारी मदद करेंगे। तो जैसे ये ना तो हमने बताया, बट आप अपने तरीके से जांचिए, आप अपने तरीके से जांचिए कि हमको विशिष्ट बनना है या उत्कृष्ट बनना है। विशिष्ट हम सबसे डिफरेंट बन सकते हैं जब हम कंपटीशन में, कंपटीशन कुछ भी हो कि मेरे अगर मार्क्स आए तो मैं विशिष्ट हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। हमें वो चीज़, वो भावना जागृत करनी है बच्चों में, या उत्कृष्टता की, कि हर बच्चा अपने तरीके की उत्कृष्टता की जर्नी पर चले। तो ये सवाल सवाल के साथ ही छोड़ेंगे, आप सवाल सोचिए अपने अंदर कि हम क्या प्रमोट करते हैं और हम किस में विश्वास रखते हैं, और किस में विश्वास रखने के साथ साथ हम पूरा प्रयास करते हैं, दिन रात निरंतर उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसके बारे में जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हम, ये आपसे सवाल ही, हम इसका कोई राइट आंसर नहीं चाह रहे। जब हम फिजिकल एजुकेशन, व्यायाम शिक्षा या कोचिंग कराते हैं, तो क्या हम सिर्फ कुछ बच्चों पर, सिर्फ कुछ शिष्यों पर, या सब के सब पर फोकस करते हैं? ये हमारा पहला, आप आपका अंदरूनी सवाल है, आपका अपने आप से सवाल है ये जो हम प्रपोज करना चाह रहे हैं। क्या हम क्लास के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ वो जो टैलेंटेड है उन पे ध्यान देते हैं, या ये इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे का क्या यूनिक टैलेंट है उसको कैसे हम एक्टिव करें, इस पे ध्यान देते हैं? तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने आप बात करें भाव से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, हम क्या चीज समाज में प्रमोट कर रहे हैं और क्या चीज सस्टेनेबल है? क्या हम सिर्फ जीत पे ही बच्चे को गले लगाते हैं, या जीतने के बाद ही हम पेरेंट्स को, स्कूल को ये फील कराते हैं आपने बहुत अच्छा अचीव किया है? पर बाय डिजाइन ऑफ नेचर जीत सस्टेनेबल नहीं है। जीत आपकी साल में एक जगह आएगी, दूसरी जगह आएगी, पर आपको डेली बच्चे की खुशी और एफर्ट तो डेली मिल रहे हैं। तो ये सवाल अंदरूनी है, हम सोल्यूशन नहीं देंगे। हम अपने शब्दों से, अपने विचार से, अपने भाव से, अपने कर्म से, हम किस तरह की भावना प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने बच्चों में? शुरू करेंगे हम दूसरे कॉन्सेप्ट से, जो है सेल्फ एंड बॉडी। ह्यूमन बीइंग इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ। जहां पर बॉडी का मतलब है फिजिकल बॉडी हमारा, जो हमारे लिए एक्शंस परफॉर्म करता है, एंड सेल्फ रेफर्स टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हमारा कॉन्शियसनेस जो हमारे लिए डिसीशंस लेता है। इसको और बेटर एक्सप्लेन करूंगी मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जब हम चलते हैं, वी यूज आवर बॉडी लेग्स फॉर वॉकिंग, मगर चलने का डिसीशन हमारा सेल्फ लेता है। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं, फूड इज फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, मगर क्या खाना खाना है ये डिसीशन हमारा सेल्फ लेता है। इसको और बेहतर जानेंगे हम जब हम डिस्कस करेंगे नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी के बारे में। सर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड नीड्स ऑफ द बॉडी? द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर ट्रस्ट, विश्वास, रेस्पेक्ट, सम्मान, हैप्पीनेस, खुशी। ऑन द कॉन्ट्ररी, द नीड्स ऑफ द बॉडी आर फूड, क्लोदिंग एंड फिजिकल फैसिलिटीज। Now moving on to in time needs of self and body, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें खुशी कितने टाइम तक चाहिए? एक घंटा, दो घंटा, एक दिन? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें खुशी या ट्रस्ट या रेस्पेक्ट ये हमेशा के लिए चाहिए। Therefore, the needs we cannot say for how much time we want. On the contrary, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें physical facilities कितने टाइम तक चाहिए? हम कह सकते हैं कि हमें फूड या खाना सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में और स्नैक्स में चाहिए।
और एग्जाम्पल दूंगी मैं, हमारे घर में बहुत सारी अन्य वस्तुएं होती है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी। गाड़ी तो हमारे पास हमेशा रहता है, मगर उसका यूज हम सिर्फ ट्रैवल करने के लिए करते हैं। उसी तरह जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास हमेशा रहता है, उसका यूज, उसका उपयोग हम सिर्फ वो खेल खेलने पर ही यूज करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू इनमेजर नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। क्या मेजर कर सकते हैं कि हमें लाइफ में कितनी खुशी चाहिए, या कितना ट्रस्ट चाहिए, या कितना रेस्पेक्ट चाहिए? नहीं मेजर कर सकते। देयरफॉर द नीड्स ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नीड्स ऑफ द बॉडी। क्या मेजर कर सकते हैं कि हमें कितने फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए? हम कह सकते हैं कि हमें दो गाड़ी चाहिए, आई नीड अ पेयर ऑफ क्लोथ्स, आई नीड अ पेयर ऑफ शूज। हम कह सकते हैं कि आई नीड अ बैट एंड बॉल टू प्ले क्रिकेट। देयरफॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं कि वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज वी नीड फॉर द बॉडी। हम इसको और बेहतर जानेंगे when we discuss about the activity. Sir, would you like to discuss on this? Yeah. तो जैसे श्रुति ने बहुत अच्छे से explain किया कि हमारा एक जरूरत है body का, एक जरूरत है हमारा स्वयं का, जो हमारा existence है, दोनों का सम्मिश्रण है। हमें विश्वास, सम्मान, खुशी हर एक को चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे विश्वास, सम्मान या खुशी नहीं चाहिए। तो ऐसा सेल्फ सब सेल्फ है, सेल्फ और बॉडी है, और वो सेम भी है, वो हर इंसान के लिए एग्जैक्टली सेम है। बॉडी का नीड, आपको फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, भौतिक सुविधाएं जितनी भी हैं उनकी जरूरत है हमको अपने कंफर्ट के लिए, नर्चर के लिए, पर वो सब चीजें एक टेम्परेरी चीज के लिए हैं। आप 24 घंटे तो बैठ के नहीं खाते, अगर आपको बहुत स्वादिष्ट खाना भी है, क्योंकि आपका एक लिमिट है नर्चर के लिए, आपके टेस्ट के लिए, उसके बाद आप रुक जाओगे। और दूसरा, अगर आप इसको सम्मान से बात करें, आपका आत्मसम्मान अगर आपको चाहिए, आपको दूसरे सम्मान चाहिए, वो आपको कंटिन्यूस चाहिए पूरा दिन। वो आप ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि चलो बच्चे स्कूल में 5 घंटे आते हैं तो 1 घंटे सम्मान चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये नहीं कह रहे कि बॉडी कम है सेल्फ से, दोनों का कोई एग्जिस्टेंस सम्मिश्रण ही हमें डिफाइन करता है। अगर दोनों सेपरेट करेंगे अपनी समझ के साथ, और यही समझ अपने शिष्य को देंगे, तो शिष्य को भी समझ रहेगी कि ये दोनों का जरूरत अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे भी शायद खुशी चाहते हैं, वो भी रेस्पेक्ट चाहते हैं, और उनका बॉडी का नीड भी टेम्परेरी है। तो ये एक पहला हमारा एक दूसरा प्रस्ताव है एक्सेलेंस के बाद, कि सेल्फ एंड बॉडी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों का जरूरत है, पर दोनों का पैटर्न अलग अलग है। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। सर एक और बार क्लिक कीजिए, वन मोर क्लिक। बैक प्रीवियसली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 कॉलम है। कॉलम ए मैं रीड आउट करूंगी, जिसका रिस्पॉन्स आपको 1 या 2 टाइप करना होगा। तो फर्स्ट है फूड। आपको अगर लगता है कि फूड इज अ नीड ऑफ द सेल्फ तो 1 टाइप कीजिए, अगर आपको लगता है कि फूड इज अ नीड ऑफ द बॉडी तो 2 टाइप कीजिए रिस्पॉन्स में। 2 2 2 Yes. 2 1 बहुत कम लोगों ने 1 टाइप किया है। 2 इज द राइट आंसर। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, टेस्टी फूड। टेस्टी फूड अगर लगता है आपको कि दैट इज नीड ऑफ द सेल्फ, 1 टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है कि टेस्टी फूड इज अ नीड ऑफ द बॉडी, 2 टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। मिक्स्ड आंसर है 1 और 2, और सही जवाब है 1। टेस्टी फूड इज अ नीड ऑफ द सेल्फ। फूड जो है हमारे बॉडी के नरिशमेंट के लिए है, दैट इज अ नीड ऑफ द बॉडी। मगर टेस्टी फूड जो हम डिसाइड करते हैं, वो हमारा सेल्फ डिसाइड करता है, दैट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि जो बॉडी के नीड है, टेस्टी फूड है, श्रुति ने बोला मेरा मन करता है। आपके लिए टेस्टी फूड मध्य प्रदेश में पोहा हो सकता है,
हैदराबाद में डोसा हो सकता है, हमारा टेस्ट अलग डेवलप हुआ है, पर उस डोसा और पोहा का जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है, जो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है, बॉडी को वही मिल रहा है। जो भी उसमें अच्छा बुरा कंपोनेंट है, न्यूट्रिशन कंपोनेंट, वो बॉडी को जाएगा और टेस्ट आपका सेल्फ को अच्छा लगेगा कि मुझे टेस्ट अच्छा आया। यशुद्ध, नेक्स्ट वन इज ब्रांडेड बैट। अगर आपको लगता है कि ब्रांडेड बैट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ, वन टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है कि ब्रांडेड बैट इज अ नीड ऑफ द बॉडी, टू टाइप कीजिए। मिक्स्ड आंसर से बहुत जनों ने वन टाइप किया, बहुत कम लोगों ने टू टाइप किया रेस्पॉन्स में, और सही जवाब है वन। बैट जो है दैट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ फॉर प्लेइंग अ स्पोर्ट, मगर ब्रांडेड बैट जो है मुझे नाइकी का बैट चाहिए या रिबॉक का बैट चाहिए, दैट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ। आगे बढ़ेंगे हम, कार फॉर ट्रांसपोर्ट। अगर आपको लगता है कि कार फॉर ट्रांसपोर्ट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ, वन टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है कि कार फॉर ट्रांसपोर्ट इज अ नीड ऑफ द बॉडी, टू टाइप कीजिए। यहाँ पर भी मिक्स्ड आंसर्स है, वन वन टू टू वन वन। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज टू, कार फॉर ट्रांसपोर्ट इज अ नीड ऑफ द बॉडी। अगर डिस्टेंस कम है तो हम चल के जा सकते हैं, मगर अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वी डेफिनेटली नीड अ व्हीकल टू ट्रैवल फ्रॉम डिस्टेंस ए टू डिस्टेंस बी। नेक्स्ट चलते हैं हम रेस्पेक्ट की ओर। अगर आपको लगता है कि रेस्पेक्ट, सम्मान इज अ नीड ऑफ द सेल्फ, टाइप वन। अगर आपको लगता है कि सम्मान, रेस्पेक्ट इज अ नीड ऑफ द बॉडी, टाइप टू। काफी जनों ने वन टाइप किया, बहुत कम आंसर्स है टू, एंड द राइट आंसर इज वन। आगे बढ़ेंगे अभी लास्ट ऑप्शन की ओर, मेडल। अगर आपको लगता है कि मेडल इज अ नीड ऑफ द सेल्फ तो वन टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेडल इज अ नीड ऑफ द बॉडी, टाइप टू इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने वन टाइप किया है और बहुत कम पार्टिसिपेंट्स ने टू टाइप किया है, एंड द राइट आंसर इज सेल्फ। मेडल इज अ नीड ऑफ द सेल्फ। अमित, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? हाँ, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप इससे रिलेट करें, अगर फैसिलिटीज और बॉडीज का जरूरत क्या पड़ा, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री कैसा चाहिए। आप खुद से पूछिए कि क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग के बारे में आप दावे से ये कह सकते हो कि वो हमेशा खुश रहते हैं? उनकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीट है अगर फैसिलिटीज से हम देखते हैं, खुशी या विश्वास या सम्मान की बात करें। तो जो फैसिलिटीज हैं उन वो बॉडी का नीड है, उनका लाइफ कंफर्टेबल हो सकता है, बट हमें स्वयं के लिए खुशी चाहिए, सम्मान चाहिए, वो निरंतर है। मैं रीएम्फेसाइज कर रहा हूं। और आप इसको दूसरे तरीके से और देखिए कि अगर आप जैसे ब्रांडेड बैट का इन्होंने जिक्र किया, अगर आप ब्रांडेड बैट लेके जाते हो तो क्या कोई आपसे इम्प्रेस होता है, या आप जब अच्छा खेलते हो तब इम्प्रेस होते हैं लोग आपसे? तो शायद आपका जो खेल है वो बताता है कि आप कितना अच्छा खेलते हो, उससे लोग इम्प्रेस होते हैं, शायद आपकी सराहना करते हैं। और दूसरा तरीका और भी देखिए, अगर कार का भी जिक्र किया, क्या आपने ऐसे दोस्त बनाए हैं जिनके पास कार अच्छी है तो अपने अच्छे दोस्त बनाए? तो आपका शायद आंसर यही होगा कि नहीं, दोस्त के लिए सब जरूर नहीं है, और मेरे तो कार ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमने बेसिक नीड पे काम किया। अब बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट, रेस्पेक्ट और मेडल, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के सबसे दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बारे में समझ होना बहुत जरूरी है। मेडल इज कंपटीशन, आपने 10 बच्चों में कंपीट किया, उसमें एक मेडल आया, उस मेडल से हमें अच्छा लगा, हमारा खुद का जरूरत है कि वो मेडल हो, उस मेडल से बॉडी का कोई नीड सेटिस्फाई नहीं होता, मेडल से हमें प्राउड फील होता है, हमारी फीलिंग जागती है, हमें प्राउड लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें सम्मान मिला है इससे। पर सच्चाई अगर देखें तो क्या वो मेडल अगर आज जीता है कल भी सेम सम्मान मिलेगा? शायद थोड़ा कम हो जाएगा, 3 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, 2 साल बाद उसका बहुत जरूरत नहीं होगा, और
दो चीजें इंपॉर्टेंट प्रपोज कर रहा हूं कि अटेंशन और रिस्पेक्ट। आपको अटेंशन मिलना हो सकता है हमें सक्सेस से, 10वीं क्लास का रिजल्ट आया, 10वीं का इस बच्चे ने टॉप किया, आपको अटेंशन मिलेगा, बट सम्मान एक निरंतर भावना है, निरंतर भावना है। तो सम्मान आपको किससे चाहिए? आपको अपने शिष्य से चाहिए। कब तक के लिए चाहिए? सिर्फ मेडल के बाद चाहिए? नहीं चाहिए, आपको पूरा जिंदगी चाहिए। तो ये जो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, समझ रखना कि सम्मान हमें आसपास के लोगों से मिलेगा, अपने शिष्य से, अपने सहयोगियों से, अपने प्रिंसिपल से, अपने समुदाय से, वो मेरा सम्मान है। मेडल मुझे अटेंशन देगा, और मेडल सेल्फ का नीड है। मेडल विल नॉट एंश्योर रिस्पेक्ट, मेडल कभी सम्मान एंश्योर नहीं करेगा। थोड़े टाइम के लिए अटेंशन दे सकते हैं आपको, तो ये हमारा सेल्फ का नीड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे हम, वैल्यूज। वैल्यूज थ्रू 9 फीलिंग्स, और वो है ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, वी हैव केयर गिविंग फीलिंग्स विच आर अफेक्शन, केयर एंड गाइडेंस, एंड देन वी हैव वैल्यूज विच हेल्प अस रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स, और वो है ग्रैटिट्यूड, रेवरेंस एंड ग्लोरी, एंड फाइनली वी हैव वैल्यू लव विच सरपासेस ऑल द अदर वैल्यूज। आगे बढ़ेंगे अभी हम अभी वैल्यू ट्रस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। ट्रस्ट, विश्वास। जिस तरह एक बिल्डिंग खड़ा होने के लिए पिलर्स की जरूरत होती है, पिलर्स आर द फाउंडेशन फॉर एनी बिल्डिंग, उसी तरह रिलेशनशिप बिल्ड होता है ट्रस्ट पर। ट्रस्ट इज अ फाउंडेशन वैल्यू फॉर एनी रिलेशनशिप। ट्रस्ट इज अ फीलिंग दैट द अदर थिंग्स गुड ऑफ मी एंड विशेस हैप्पीनेस फॉर मी, दूसरा मेरा भला चाहता है और मेरी खुशी चाहता है। नेक्स्ट, ट्रस्ट निर्भर होता है इंटेंशन वर्सेस कॉम्पिटेंस पर। हमने रमेश की कहानी में देखा कि टीचर्स हमेशा हमेशा से अपने बच्चों का खुशी चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, बट उनकी कॉम्पिटेंसीज भी होती है, जैसे उनके पास लिमिटेड टाइम रहता है, टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है, तो ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज भी होती है टीचर की तरफ। हमने स्टूडेंट्स की तरफ भी देखा है कि स्टूडेंट्स अपना बेस्ट देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मूव फर्दर, अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, टीम को जिताना चाहते हैं, मगर हर एक स्टूडेंट की कंपिटेंसी लेवल अलग होती है। एट द सेम टाइम व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ आई लुक एट माई इंटेंशन, बट व्हेन आई लुक एट अदर्स आई लुक एट देयर कंपिटेंस। अमित, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? इसको सर आप सब लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि विश्वास हो। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि विश्वास, किसी ने मेरा सपोर्ट किया, कोई मेरा हमेशा अच्छा चाहता है, या कोई मुझे हेल्प करता है, मैं उन पे विश्वास कर सकता। तो आज एक बिल्कुल ही नई डेफिनेशन हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं कि विश्वास एक ऐसी भावना है जिसमें मैं ये समझूं कि दूसरा भी मेरी खुशी चाहता है। और इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? आज आप सब लोग हमारे साथ प्रशिक्षण में जुड़े हुए हैं, और आप सब लोग ये चाहते हैं कि आप सब लोग इम्प्रूव करें, आप सब लोग इम्प्रूव करें। और इस दौरान सपोज हम में से एक सहयोगी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, या वो बीच में अपना सवाल रखना चाहता है, जिसके कारण हमारा सेशन सपोज 2 मिनट के लिए रुक जाता है, 2 मिनट के लिए रुक जाता है। अब हमारी तरह उस साथी का, सहयोगी का भी यही चाहना है कि हम सब लोग सीखें, पर उसका सवाल रखने का तरीका ऐसा है कि जो हम सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सपोज 3 मिनट के लिए ऐसा सवाल इस तरीके से पूछा गया। तो इसको हम ध्यान से देखें तो दो चीज है, नियत और काबिलियत। नियत साफ रखना और काबिलियत होना उससे काम करने के लिए। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप बोलेंगे भाई मैं तो सबका भला चाहता हूं, अपना भला चाहता हूं, सबका भला चाहता हूं, पूरे समाज का भला, ऐसी मेरी भावना है। पर अगर ऐसा सोचे कि हमारे समाज में हर इंसान के पास बिल्कुल सेम भावना है, क्योंकि वो मेरे जैसा ही है, जैसे दिवाकर जी हैं, जैसे प्रदीप जी हैं, ऐसे ही सभी लोग अपना भला चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, समाज का ही भला चाहते हैं, पर वो हर बार ऐसा कर नहीं पाते, उनकी काबिलियत इतनी नहीं है, उनकी नीयत सबकी सेम है, क्योंकि हर इंसान सिमिलर ही डिजाइन किया गया है,
हम सबका ढांचा सोचने का बिल्कुल सेम बनाया हुआ है, और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें बहुत सुख भी मिलता है। हमें सुख मिलता है, मैं अपने आप को खुश रख पा रहा हूँ, अपने परिवार को खुश रख पा रहा हूँ, अपने समाज को खुश रख पा रहा हूँ। तो यही समझने की दो चीजें हैं कि एक तो नियत और एक काबिलियत। और नियत के लेवल पर पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी इस समय इंसान है, सब की नियत यही है कि वो खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। ऐसा नियत है हम सब। अब हम पी क्लास में बात करते हैं, थ्योरी हमने पढ़ा नियत काबिलियत वाला। मैं ये आपसे बगैर मिले कह सकता हूं, हमारे जितने शिक्षक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी नियत ये है कि हर बच्चा इंप्रूव करे, ऐसा उनका नियत है। पर अभी तक काबिलियत शायद ऐसा होता है कि हम हर बच्चे पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कभी समय के कारण, कभी हम अपने किसी सहयोगी से लड़ाई कर पाए, हमारा मेंटल मेकअप अच्छा नहीं है, या हमारे पास पूरा ग्राउंड नहीं है बच्चों को खिलाने का। तो हाँ, एक हमारी नीयत थी और वो आप सबकी बिल्कुल सेम है। आप हर बच्चे को इम्प्रूव करना चाहते हो, बट आप पूरे एफर्ट कर कुछ पे ही फोकस कर पाते हो, ये हमारा कंपिटेंसी गैप हो सकता है। सेम आप ये भी चाहते हो कि आपका हर शिष्य खुश रहे, ऐसा हर व्यायाम शिक्षक चाहता है, पर ऐसा वो हर बार कर नहीं पाते, कुछ गैप हो जाते हैं, चाहे आपको टाइम कम मिलता है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सब लोग की नियत बिल्कुल सेम है, बट आपकी कॉम्पिटेंसी अलग हो सकती है। कुछ लोग कॉम्पिटेंसी में 40 लोगों की क्लास मैनेज कर सकते हैं, कुछ 30 की मैनेज कर सकते हैं, कुछ 60 की मैनेज करना जानते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 10% जो अच्छा किए उनको तो खुश करके भेजने जानते हैं, उनका कहने का तरीका ऐसा है कि तुम बहुत अच्छा किए, तो जो 10 लोग अच्छे किए उनको अच्छा लगेगा, पर जो लास्ट में किए उसको शायद वो इतना हैप्पी ना कर पाए। काबिलियत का इशू है। तो ये हमारे पी क्लास में विश्वास किया एक एग्जाम्पल है। अगर हम शिष्य के तरफ से देखें तो, क्योंकि बच्चे को खेलना पसंद है, तो ऐसा नियत उसका भी है कि वो अपना बेस्ट दे हर क्लास में, क्योंकि हमारा नियत भी बेस्ट था हर बच्चे के लिए, ऐसा उसका भी नियत। पर वो ऐसा नहीं कर पाता, उसको डिस्ट्रैक्शन है, बच्चा है, सीख रहा है, उसको घर से अलग टाइप का प्रेशर है, बाकी टीचर्स का प्रेशर है, तो उसका कॉम्पिटेंसी में कुछ गैप है। दूसरा, वो भी चाहता है कि अपने गुरुजन का, अपने सब बाकी साथियों का सम्मान करें, पर वो बहुत बार गुस्से में है, लड़ाई करता है, शरारत करता है, वो ऐसा कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहा है, वो जब मैच्योर हो जाएगा 10 साल बाद वो भी ऐसा करेगा। आप सब लोग आज अगर अपने गुरु से मिलोगे, कल जैसे दत्ता सर आए, तो शायद आप में से कुछ लोग उनसे पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने पहले क्लास ली होगी, तो गुरु के लिए भाव बड़े पावन जागते हैं मन में, और उस समय की बातें भूल जाते हैं, गुरु ने डांट लगाया, प्यार से लगाया, क्योंकि उस समय हमारी काबिलियत इतनी नहीं होती कि हम गुरु के लेवल पे जाके सोच सके, पर हमें गुस्सा आता है उस समय पर। तो ये एक सारांश है कि विश्वास के लिए हमको नियत काबिलियत दोनों पे ध्यान रखना चाहिए, और ये अज्यूम करते हैं कि नियत सबकी अच्छी है, हम काबिलियत पे काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रस्ताव रख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप इसको चेक करिए, और इसके बारे में और लिटरेचर भी आप पढ़ सकते हैं। जैसा हमने बोला कि मध्य प्रदेश में जीवन विद्या का काफी स्ट्रांग फाउंडेशन है, उनके ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, हम जब जीवन विद्या को या जीवन मूल्य को लेके आए फिजिकल एजुकेशन में, तो हमने रियलाइज किया कि हमारे बहुत सारे गेम जीवन मूल्य को प्रमोट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, क्लावा रिवर आपने बना है कि एक रिवर है, वो आपको क्रॉस करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, आपके पास ये ब्लॉक्स हैं, एक को दूसरे का सपोर्ट करना है, तीसरे का सपोर्ट करना है। अब इस एक्टिविटी में आप विश्वास की भावना डिजाइन में डाल देते हो, आपका एक्टिविटी का तरीका ऐसा है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, इसमें कोई एक चैंपियन नहीं होगा, पूरे के पूरे लोग रिवर को बगैर टच नीचे टच किए सब लोग क्रॉस करके जा रहे हैं। तो एक थ्योरी था हमने, और प्रैक्टिकल में ये समझा कि हम ऐसा अपना स्ट्रक्चर ग्रुपिंग कर सकते हैं कि हम विश्वास की भावना और ज्यादा प्रोत्साहित करें। श्रुति, कुछ ऐड करना है आपको इसमें? हाँ, तो ये गेम में यूजुअली बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं,
तो जो बच्चे गलती करते हैं तो बाकी के टीम मेंबर्स ये बोलने लग जाते हैं कि ये तो गेम हरा रहा है, इसकी वजह से टीम हार जाएगी। मगर जब पी टीचर ये समझाता है बच्चों को कि टीम मेंबर्स में हर एक टीम मेंबर टीम को जिताने के लिए खेल रहा है, तो उनका नजरिया बदल जाता है, बच्चे उनके टीम मेंबर्स को सपोर्ट करने लग जाते हैं। और जब कोई गलती करता है बिना उसको ताना मारे उसको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और टीम को जिताने के लिए। नेक्स्ट वैल्यू अभी डिस्कस करेंगे हम, रेस्पेक्ट। सम्मान, सम्मान का डेफिनेशन नहीं है। सम्मान का मतलब है सभी का मान करना, वो चाहे हमसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, औहदे में बड़ा हो या छोटा हो। रेस्पेक्ट इज अ राइट इवैल्यूएशन टू इवैल्यूएट अ पर्सन एज दे आर। जब राइट इवैल्यूएशन का मतलब रेस्पेक्ट होता है, तो जब किसी का राइट इवैल्यूएशन नहीं होता तो वो क्या हो जाता है? जब किसी का ओवर इवैल्यूएशन करते हैं तो वो ईगो, अहंकार में कन्वर्ट होता है। उसी तरह जब किसी का अंडर इवैल्यूएशन करते हैं या अदरवाइज इवैल्यूएशन करते हैं, वह डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। सर, वुड यू ऐड टू दिस? तो अपने सरल भाषा में रेस्पेक्ट सम्मान है, दो शब्द, सम्मान। सम मतलब जितना है उतना मान करना। इस डेफिनेशन का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि हम सम्मान को ऐसा देखते हैं बड़ों का सम्मान करना चाहिए या उनका सम्मान करना चाहिए। एक नया डेफिनेशन आपसे प्रपोज करता है जीवन मूल्य, कि सम्मान जिसने जितना किया है जैसा है उसको वैसा ही मान देना सम्मान है। उसमें ऐसा नहीं है कि बड़ा है छोटा है, औहदे में मुझसे ऊपर है नीचे है। जिसका जो काम है उसको उस तरीके से सम्मान देना ही रेस्पेक्ट है। और इसमें सबसे पहले से ओवर इवेल्यूएशन का बात हुआ कि अगर हम ज्यादा उसको मान देंगे उसके काम करने की बजाय, तो उसको अहंकार होगा। आपने काम किया एक, आप बोलो तुमने 10 कर दिया, तो ऐसा बोलने से, इस तरह का मान जब किसी को देंगे हम, तो उससे अहंकार की भावना जागृत होगी। अगर हमने अंडर इवेल्यूएशन किया तो उसके अंदर डिप्रेशन आने की भावना जनरेट होगी, क्योंकि आपने उसका पूरा जो लेवल था उससे नीचे ले गए, आपसे आपको उसके वहां पर इवेल्युएट नहीं किया। अदरवाइज इवेल्युएशन क्या होता है कि उससे कोई लिंक नहीं है। आप नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में समझेंगे कि ओवर अंडर की अदरवाइज इवेल्युएशन भी होता है कि आपको उस, जब आप किसी को ऐसा मान देंगे तो उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप किस तरीके का मान दे रहे हो, उसे ज्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो, ये भी क्लैरिटी नहीं रहेगा। इसको हम अदरवाइज इवेल्युएशन बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में एक सेकेंड, ये वाला स्लाइड एक्सप्लेन करता है सम्मान की सिचुएशन। ओवर इवेल्युएशन, ओवर इवेल्युएशन दो तरीके का होता है। पी क्लास के बाद अपने लेवल पे, बच्चे के लेवल पे ओवर इवेल्युएशन क्या होता है? अरे यार सब आता है मुझे, मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़ा हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं अपने स्पोर्ट में बेस्ट कोच हूं। अब ऐसी भावना जब मन में आएगी तो उससे क्या होगा? हमारा अहंकार जनरेट होगा। धीरे धीरे सोचिए, इसको लिंक करिए। मैं सोचता हूं मुझे सब आता है, मुझे ये बुक भी आता है, सब आता है, और उसके कारण धीरे धीरे ये लगने लगा कि क्योंकि मुझे सब आता है तो अहंकार की भावना आप जागृत हुआ देखोगे। अंडर इवैल्यूएशन अपने आप कैसे करते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता या मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं। तो ये हमने एग्जांपल दिया, हम ये नहीं बोल रहे कि ये सही उदाहरण है, हम सिर्फ एग्जांपल देने का प्रयास किया आपको कि जब हम अपने आप को अंडर इवैल्यूएट भी करते हैं बहुत बार कि अरे मुझे तो फिजिकल लिटरेसी पता ही नहीं, मैं कैसे कराऊंगा, जबकि हो सकता है आप सिमिलर भावना से इस कंसेप्ट से अच्छे से आप पहले से कक्षा करा रहे हो। तो उसको हम अंडर इवेल्यूएशन बोलेंगे, जहां मुझे अपना कैपेबिलिटी का पूरा एहसास और एग्जीक्यूशन नहीं किया है। अदरवाइज होता है भाई, मैं तो अपने यहाँ का सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं तो हॉकी का बेस्ट प्लेयर हूँ मध्य प्रदेश का, इसको हम अदरवाइज इवेल्यूएशन बोलते हैं। अदरवाइज मतलब कि आपका क्षेत्र का काम अगर फिजिकल एजुकेशन है
मुझे गुरुजन बन के सब बच्चों को फिजिकल एजुकेशन देना, ये मेरा रोल है, ये मेरा कर्तव्य है। उस कर्तव्य के लिए मैं कैसे कंपेयर करूं किससे, तो अदरवाइज इवेल्युएशन होता है उसमें। राइट इवेल्युएशन क्या होगा, अपने बारे में पूरा क्लैरिटी होना। देखो भाई, मैं तो मिडिल स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छी क्लास करा सकता हूँ, सब बच्चों को मैनेज करता हूँ, और ऐसा मैंने मेरा एक्सपीरियंस है कराने, बिल्कुल राइट इवेल्युएशन। आप ये नहीं बोल रहे कि आप बहुत अच्छे, आप सचिन तेंदुलकर हो या आपको नहीं आता, आप बड़ा स्पेसिफिक बोल रहे हो। दूसरा, अगर ऐसा ही बोल रहा हूँ कि इस प्रशिक्षण में हमें पहले से करिकुलम के बारे में पता था, फिजिकल लिटरेसी नया कंसेप्ट आया, ये नया आया, तो राइट इवेल्युएशन क्या होगा, आप अगर हमें इवेल्युएट करोगे कि आपके सेशन में ये वाली चीज मुझको अच्छी लगी, ये वाली चीज और इम्प्रूव होनी चाहिए, अगले सेशन में मैं ये जानना चाहूंगा, बिल्कुल राइट इवेल्युएशन। और इसका अदर ओवर रिलेशन क्या होगा, जबरदस्ती, जबरदस्ती एकदम फाड़ दिया सबने, अब इससे ना मिला, इससे कोई भावना मेरे मन में भी जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने ओवर इवेल्युएट किया। अंडर इवेल्युएशन क्या किया, अरे टेक्नोलॉजी चल नहीं रही थी, काम की नहीं थी इतनी, इससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फीडबैक नहीं मिला। अरे काम की नहीं, तो क्या काम का नहीं था वो तो बताइए आप। सेम ये बच्चों के साथ भी क्या होता है कि हम, और ये बड़ी गहरी बात हम बोलने वाले हैं सम्मान को लेके, कि जब हम भी अलग अलग लेवल के बच्चों से डील करते हैं, ये जब हम बच्चों को राइट इवेल्युएट करते हैं, जैसे ओवर रिलेशन क्या होता है, बेटा तेरा को तो कोई रोक ही नहीं सकता, तेरा नेशनल चैंपियन बनना लिखा है, तू 13 साल कैसे, अभी मैं तेरे को लेके जाऊंगा। तो विश्वास अलग चीज है, सम्मान अलग है। आप विश्वास करते हो किसी के टैलेंट में वो, या आप उसको विश्वास की भावना देने जाते हैं, बिल्कुल सही है ये, पर 13 साल की उम्र में नेशनल चैंपियन बनना शायद ओवर इवेल्युएशन है। अंडर इवेल्युएशन क्या करते हैं, अरे यार तू किसी काम का नहीं, तूने योगा कर लिया, तूने खो खो कर लिया, कबड्डी, तेरा मन ही नहीं लगता उसमें, तू यूजलेस है स्पोर्ट्स में। तो इस तरह की बोलने से बच्चे में जो भावना जनरेट होती है वो लेस रेस्पेक्ट की होती है। तीसरा होता है भाई, तू चीता है यार, तू तो चीता है, अपार नहीं जंगल में तू ऐसा भागता है। अब ये कहने से हमें एज ए गुरु पता होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, पर हमारे जो बच्चे हैं उसको अदरवाइज लगेगा कि मैं क्या समझूं, मतलब मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, कैसा हूं। सेम वे राइट इवेल्युएशन क्या है, बेटा रमेश तुम्हारा 100 मिनट टाइमिंग मैं देख रहा हूं, पिछले 9 महीने में 0.3 सेकेंड बढ़ा है, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में और आगे चलना है। तो कितना क्लियर फीडबैक मिला, एग्जेजरेशन नहीं, अंडरटोन भी नहीं, बल बिल्कुल राइट इवेल्युएट की फैक्चुअल जो हो रहा है। तो सम्मान की भावना से हम बहुत ही ट्रस्ट और रेस्पेक्ट अगर हो जाता है तो हमारा जो मुट्ठी है वो जुड़ जाती है, ऐसा हमने देखा है जब हमने बच्चों को इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि उनको राइटली इवेल्युएट किया जा रहा है। श्रुति आगे रेस्पेक्ट एक्टिविटी आप नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे जो है केयर गिविंग फीलिंग्स, जो है अफेक्शन, केयर एंड गाइडेंस। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड अमित। अफेक्शन का मतलब स्नेह है। हम अक्सर देखते हैं कि हम कई बातें सबसे शेयर नहीं कर पाते, मगर हम हमारे दोस्तों से सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंडशिप स्नेह ऐसा फीलिंग है जो हमको कंफर्ट देता है कुछ भी डिस्कस करने के लिए। हम फ्रेंडशिप में हेजिटेट नहीं करते हमारे प्रॉब्लम्स शेयर करने से। उसी तरह अगर हमारे बीच, हम टीचर स्टूडेंट के बीच अगर फ्रेंडशिप का फीलिंग है तो बच्चे टीचर के पास कुछ भी डिस्कस करने के लिए इजीली अप्रोच होते हैं, टीचर के साथ कुछ भी शेयर करने के लिए इजीली डिस्कस कर पाते हैं। क्लिक करिए अमित। अफेक्शन इज अ फीलिंग ऑफ बींग रिलेटेड टू द अदर। ये फीलिंग हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे पास कोई है हमसे बात करने के लिए, हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच अफेक्शन का फीलिंग रहता है तो एक स्नेह वाली फीलिंग जनरेट होती है, एक फ्रेंडशिप वाली फीलिंग रहती है। अमित, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? हाउ इज अफेक्शन ऑन ग्राउंड? तो अफेक्शन एक बार
समझना जरूरी है। हम स्नेह की भावना किसके लिए रखते हैं और कैसी ये भावना होती है। स्नेह की भावना जब होती है जब मैं किसी से अपना रिश्ता महसूस करता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा एक रिश्ता है उससे और जब मैं रिश्ता उससे मानता हूँ तो मैं जिससे अफेक्शन, जिससे मैं रिलेटेड फील करता हूँ उसको मैं अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता हूँ उसके बैकग्राउंड के साथ। तो इसके अंदर मेरी स्नेह की भावना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम सब लोग आज शिक्षकगण इसके बारे में प्रशिक्षण ले रहे हैं और हम सब आज के बाद ये फील करें कि हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और हम सब एक दूसरे को बैकग्राउंड के साथ अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं। अनकंडीशनली क्या, अगर कुंज बिहारी जी हैं, खेल सिंह हैं, सूरज हैं, कि इन सब का अलग अलग स्ट्रेंथ है पर हम लोग जुड़ेंगे, फिर भी जुड़ेंगे क्योंकि हमको ये बच्चों के लिए आगे ले जाना है। और इस भावना में जब स्नेह की भावना रहेगी तो हम उसके जो बैकग्राउंड है, किसी का बैकग्राउंड किसी स्पोर्ट्स का है, कोई गुस्से वाला है, कोई प्यार से बोलने वाला है, कोई ऐसा खाना नहीं पसंद करता है, कोई किसी के विचार हमसे नहीं मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी के विचार हमसे नहीं मिलते हैं, बट स्नेह की भावना में हम सबको उस दृष्टि से देखते हैं कि मेरा इनसे रिश्ता है और ये रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इनसे स्नेह की भावना रखूंगा इनके बैकग्राउंड के साथ। इनका कोई भी बैकग्राउंड हो, इनका कोई भी पुराना इनका अपना नेचर हो, इनका जैसा भी एटीट्यूड हो, मुझे स्नेह की भावना रखेगा। और तभी आप अगर देखेंगे तो हमारे परिवारों में, रिश्तेदारी में स्नेह इतना महत्वपूर्ण है कि हम बच्चे से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने बच्चे से स्नेह की भावना हमारी शायद बहुत ज्यादा होती है, उसको हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं। बच्चे ने गलती किया, चलो कुछ नहीं होता, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे का बैकग्राउंड ऐसा है क्योंकि मुझे बच्चे का बैकग्राउंड पता है, वो बचपन से ही ऐसा रहा है, उसके आ, आ, उसके फ्रेंड ने, उसके मामा ने, मामी ने इसको नया चीज सिखाया था जो हमें पता है, तो हम उसका ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही भावना जब हम और लोगों से करेंगे जिससे रिलेटेड फील करेंगे तो इसको हम स्नेह की भावना बोलते हैं। स्नेह की भावना पी क्लास में क्यों होनी चाहिए? अगर एक शिक्षक का रिश्ते का महसूस ना कर पाना किसी अपने शिष्य से या बाकी स्कूल के स्टाफ से या अपने परिवार से, मित्रों से, तो क्योंकि हम उसके लिए स्नेह की भावना नहीं रखते, इसके कारण हम कंफ्लिक्ट पोजीशन में ला सकते हैं। तो स्नेह का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक व्यायाम शिक्षक को क्या करना है कि अपने सब बच्चों से एक रिश्ता कायम करना है स्नेह का, कि ये बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, क्या मेरा उनसे रिलेशन है, क्या मेरा ऐसा अंदर से भावना आती है कि मैं उनसे रिश्ता रखना चाहता हूँ, क्या मेरे स्कूल के पूरा स्टाफ या प्रिंसिपल या बाकी टीचर्स उनसे, उनके बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट है, वो कई बार मुझसे गुस्सा होते हैं, कई बार प्यार से बात करते हैं, पर क्या मैं उनसे स्नेह की भावना रख सकता हूँ और अपने परिवार और मित्र के लिए भी। सेम है बच्चों के मन में भी। अब बच्चों को स्नेह की भावना आपको हम जब प्रस्तुत करेंगे तो उससे बच्चे सीखेंगे, और बच्चों के मन में क्या जागृति लानी है कि बच्चे स्नेह रखें अपने सब साथियों से, ताकि वो लोग मिलजुल के रहें, अपने सब टीचर से, सिर्फ हम नहीं जितने स्कूल के टीचर्स हैं, और उनकी फैमिली और फ्रेंड से। तो स्नेह को भी हम एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं अपने फिजिकल एजुकेशन क्लास में। कल हमने आपको अलग अलग टीचिंग स्टाइल बताए थे, कुछ स्टाइल ऐसे थे जहां पर बच्चे एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं या बच्चे को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, वो टीचिंग स्टाइल हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि जब बच्चा दूसरे से रिलेटेड फील करे और उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करे। तो इसके कुछ लेसन प्लान्स हम आपसे शेयर भी करेंगे सेशन के बाद। तो स्नेह की भावना जो है, केयर गिविंग फीलिंग हम तीन बोलते हैं, स्नेह, ममता और वात्सल्य। ममता के बारे में श्रुति शेयर करेंगी आपसे कि ममता क्या होती है। कुछ और बोलूंगी मैं स्नेह के बारे में। जब बच्चों के बीच स्नेह रहता है तो खेल में वह एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं ओपोनेंट टीम मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स को गिरने से बचाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं ऑन ग्राउंड बिहेवियर बच्चों का
जब बच्चों में स्नेह की फीलिंग होती है। अभी आगे बढ़ेंगे हम दूसरे वैल्यू की ओर, जो है केयर, ममता। केयर इज टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर टू हुम वी फील रिलेटेड टू। इट इज प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज फॉर प्रोटेक्शन एंड नर्चर ऑफ द बॉडी। नर्चर का मतलब है बॉडी का नरिशमेंट विद द हेल्प ऑफ फूड एंड वाटर। दूसरी तरफ प्रोटेक्ट का मतलब है विद द हेल्प ऑफ कंफर्टेबल वेयर एंड सेफ्टी वेयर फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटीज। तो केयर ऐसा वैल्यू है जो फुलफिल होता है ओनली विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। अमित, विल यू टेक इट फर्दर ऑन व्हाट इज ग्राउंड? तो आप इसको जो आप देखिए, अफेक्शन का फीलिंग था दो के बीच में मेरे एक फीलिंग रखना था। केयर का फीलिंग होता है नर्चर पोषण, प्रोटेक्ट मतलब आपकी सुरक्षा। शरीर जो है हमारा, शरीर के साथ हम तीन चीज कर सकते हैं। आप शरीर को सुरक्षा कर सकते हैं, प्रोटेक्शन। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कपड़े इसलिए पहनते हैं कि हम सर्दी में, गर्मी में, अलग अलग मौसम में अपने शरीर की सुरक्षा कर सकें। हम अच्छा खाना क्यों खाते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ताकि हम बॉडी का, अपने शरीर का पोषण कर सकें। दोनों चीजों से मुझे शरीर में हेल्प मिल रही है। और तीसरा होता है राइट यूटिलाइजेशन करना, कि हम शरीर को सही चीज के लिए इस्तेमाल करें। तो जब ऐसी भावना मन में आए कि मुझे किसी दूसरे के लिए, दूसरे की जो फिजिकल फैसिलिटीज है उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसका पोषण भी करना है, उसको केयर की फीलिंग हो। दोबारा जो मैंने पिछली बार उदाहरण दिया, सबसे पहला एग्जाम्पल शायद माता पिता और बच्चों का हो सकता है, क्योंकि बच्चे माता पिता पर डिपेंडेंट हैं अपनी सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो उनका पोषण, क्या मेरा बच्चा डेली खेलता है, उसका खाना अच्छा होता है, वो स्लीप अच्छा लेता है, तो ऐसी ऐसी भावना आती है कि मेरा, जिससे मेरा केयर का फीलिंग है उसको मैं नर्चर करूं और प्रोटेक्ट करूं उसको। कैसे कपड़े पहनने हैं, शूज कैसे पहने ताकि चोट ना लगे, पानी कैसे देना है। आज की डेट में बात करें तो आप सब लोग बच्चे को अपने घर में रखोगे कि बच्चे घर पे रहे लॉकडाउन के दौरान, और वो अपना हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की। और जब हम फिजिकल फैसिलिटीज की ऐसी फीलिंग हमारे मन में जागृत होती है, उसको हम ममता का भाव बोलते हैं, कि हमारे अंदर ममता की भावना है। अब ये ममता की भावना हमको क्लास में कैसे ले जा सकते हैं? केयर की बात है, हाँ, तो केयर सबसे पहले सेल्फ केयर है, दूसरा स्टूडेंट के लिए है कि पी टीचर कंफर्टेबल वेयर या शूज पहने ताकि वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, वो सेफ और क्लीनिंग एरिया मेंटेन करे, सेम चीज, ताकि बच्चे वहां पर इंजर्ड ना हो। आप केयर कर रहे हो, भावना आपके अंदर केयर की है। आप पानी या कुछ स्नैक्स, बिस्किट ऐसा का प्रावधान रखें, क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे तो उसको प्यास लगेगी, उसकी एनर्जी कंजम्पशन होगा, तो उसको दिक्कत ना हो उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी का नर्चर अच्छा हो, तो हम कुछ रखें, इक्विपमेंट हमारे सेफ हो अपने बेस्ट तरीके से, ताकि वो इक्विपमेंट बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। सेम चीज हमारे शिष्यों के लिए अप्लाई होती है कि वो अच्छा कंफर्टेबल वेयर पहने, सेफ एनवायरनमेंट हो, क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले। इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ये सिर्फ उदाहरण है, ऐसी मन से भावना आनी है, ऐसी भावना आनी है कि बच्चे की जो बॉडी है, बच्चे की बॉडी का पोषण करना, सुरक्षा करना मेरी व्यायाम शिक्षा की जिम्मेदारी है, और ये भावना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण मैं इसमें दूसरे अलग सेशन में दिया है, गोपीचंद अकेडमी में हमारा एक जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगाता है बैडमिंटन कोर्ट्स पर, वो सुबह 3 बजे उठता है, क्योंकि सब बच्चे 4:30 बजे ट्रेनिंग करने आते हैं, और वो इतना शिद्दत से रगड़ता है उसको पूरा कि कोना साफ करता है। तो मैंने एक दिन पूछा, भाई आप इतना सुबह जल्दी क्यों करते हो, आपका काम तो आधा घंटे का है। तो कहते हैं बात काम की नहीं है, काम तो आधा घंटे का है, बट अगर किसी कोने में कोई इनका रह गया, सफाई नहीं हुई, तो मेरा इंडिया का मेडल पोटेंशियल इंजर्ड हो सकता है सर। तो ये भावना है, भावना इंपॉर्टेंट है कि मैं 1.5 घंटा लगा के ये इंश्योर कर रहा हूँ कि ये कोर्ट नहीं है, इस कोर्ट में मेरे इंडिया के बेस्ट एथलीट्स ट्रेनिंग करते हैं, और उनके लिए मैं सेफ एनवायरमेंट करूँ, तो मैं उनकी बॉडी की केयर करता हूँ। तो इसको हम ममता की भावना बोलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस, कृतज्ञता।
गाइडेंस इज वात्सल्य 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 गाइडेंस इज अ फीलिंग ऑफ एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स इन द अदर. बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है जब वो कन्फ्यूज्ड हो या उन्हें हमारी ज़रूरत होती है. जब बच्चे कोई न्यू स्किल सीखते हैं, जब कोई न्यू टेक्निक सीखते हैं, तो उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है. गाइडेंस इन द करेक्ट पाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू प्रोग्रेस फर्दर इन लाइफ. गाइडेंस अभी देखते हैं कि ऑन ग्राउंड गाइडेंस पी क्लास में क्या होता है. तो दोबारा जाएंगे, हमने समझा अफेक्शन स्नेह की भावना कि हम उसे रिलेटेड हैं. जब हम रिलेटेड हैं तो उसकी बॉडी के लिए हम कंसर्न है तो हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं, नर्चर करते हैं. गाइडेंस का फीलिंग वात्सल्य फीलिंग वो होता है जहां हम सही समझ देते हैं उसको, सही समझ देने की भावना कि मैं बच्चे को गाइड करूंगा कंटिन्यूसली, बच्चे को सही समझ दूंगा, बच्चा विकसित हो रहा है, बच्चे की जरूरतें समझ के बच्चों के विकास में मैं सहयोग दूंगा अपनी गाइडेंस के द्वारा, क्योंकि मुझको बच्चे से ज्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो गाइड मैं उसको करूंगा. अभी यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपसे आपकी टेंशन चाहता हूँ कि वात्सल्य और केयर दो अलग अलग फीलिंग है. फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, नर्चर प्रोटेक्शन के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए हमारा ममता की भावना है. वात्सल्य उन्हें सही समझ देना, और हम इन दोनों को बहुत बार मिक्स कर देते हैं. तो क्या रहता है कि घर की बात करें, घर में आपके साथ परिवार है, बच्चे हैं, हम बच्चों को गाइडेंस पूरा नहीं दे पाए कि बच्चा परेशान है कि उसका किसी लड़ाई हुआ, अपनी माता जी से नाराज है, उसको किसी चीज का चीज नहीं मिला, उससे वो परेशान है. तो उसको सही समझ देने के बजाय हम क्या करते हैं, चल तुम्हें टॉफी दिला लाते हैं, चल तुम्हें मॉल घुमा लाते हैं बेटा, नाराज मत हो. और वो बड़ा कंफ्लिक्टिंग है. तो ये जो भावनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि उसकी ममता की चीज अलग है. बच्चे को फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना ममता की भावना है, जो उसको स्कूल के लिए चाहिए, उसको खेलने के लिए चाहिए, वो ममता है. उसको गाइडेंस देना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो गाइडेंस देने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको समय चाहिए बच्चों के साथ, और आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए. फिजिकल फैसिलिटी देने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए, आपको मनी या रिसोर्स चाहिए बच्चे को फैसिलिटी देने के लिए. आपको वात्सल्य के लिए समय और समझ देनी पड़ेगी. फिजिकल एजुकेशन क्लास में बच्चों को ये गाइड कि सही तरीका क्या है खेलने का, ये गाइडेंस है. किस भावना से खेला जाए, ये गाइडेंस है, वात्सल्य की भावना है. बच्चों को है अच्छी चॉइसेस के बारे में बताना, अरे बेटा ये चिप्स नहीं, ये वाला खा लो, कंटिन्यूसली गाइड करते रहना. हो सकता है इस समय ना सुने, बट हमारा फर्ज है, हमारी भावना है कि हम उनको अच्छी हेल्दी चॉइस दें. अब बच्चा कंफर्टेबल जोन में है, अगर वो सपोज लॉन्ग जंप कर रहा है तो वो 2 मीटर कर रहा है, 3 मीटर, 2 मीटर कर रहा है, 1.5 मीटर कर रहा है, और आपको बच्चे को पुश करना है नई चीज के लिए, तो आप उसे गाइड करोगे, थोड़ा चैलेंज करोगे वहां से वहां ले जाने के लिए, तो आपकी गाइडेंस हेल्प करेगी. इसमें ये हेल्प नहीं करेगा भाई तुम उसेन बोल्ट के जूते लाके पहन लो, उससे कोई जम्मे इंप्रूव नहीं होगा. दोबारा बार बार क्लियर कर रहा हूं, केयर ममता और वात्सल्य दो अलग अलग भावनाएं हैं. बच्चों को गाइड करना जब वो हार गए, और हारने के बाद उनको आपसे गाइडेंस चाहिए, जीतने के बाद भी गाइडेंस चाहिए, वो आपका कर्तव्य है उनको गाइड करना कि किस तरह की समझ उनको डेवलप करनी चाहिए. तो वात्सल्य है समझ देना, हम बड़े हैं, हमारे अंदर ज्यादा समझ है दुनियादारी की, समझ देना आपका वात्सल्य है. अपने रिसोर्स शेयर करना दूसरे से उनकी नर्चर प्रोटेक्शन के लिए, वो ममता की भावना है. आगे डिस्कस करेंगे हम अभी दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज विच हेल्प अस रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स, एंड दे आर ग्रैटिट्यूड, रेवरेंस एंड ग्लोरी. स्टार्ट करेंगे हम वैल्यू ग्रैटिट्यूड से. नेक्स्ट स्लाइड. ग्रैटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, टू बी थैंकफुल टू ऑल दोज हु हेल्प मी वेयर आई एम टुडे. बच्चों को ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एहसास कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी एग्जाम्पल से हम उन्हें एहसास करा सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेस उनके, कितने लोगों का योगदान होता है उन तक वो वस्तु, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बैट, बैट बॉल, एग्जाम्पल बैट,
क्रिकेट बैट जो वुड से बनाते हैं हम, वुड प्रोक्योरमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर रिटेल चेन, रिटेल चेन से वो रिटेल शॉप जहाँ से बच्चों के पेरेंट्स उनको खरीद कर घर ले आते हैं, सारे लोगों और रिसोर्सेस का योगदान होता है वो एक क्रिकेट बैट उन तक पहुँचाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो पी टीचर, वो कोच जो उन्हें ये सिखाते हैं कि बैट से स्पोर्ट्स कैसे खेला जाता है, उनको राइट टेक्निक सिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो जब बच्चों को ये सारे बातों का एहसास दिलाते हैं कि एक एक रिसोर्स उनके पास पहुंचाने के लिए कितने सारे रिसोर्सेस और लोगों का योगदान होता है, तो वो अपने पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं, बेहतर यूटिलाइज करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं। अमित सर, वुड यू लाइक टू डिस्कस दिस फर्दर? तो कहते कि आप सबको, आप सब वाकिफ हैं इस वर्ड से, पर हमको रीएम्फेसाइज करना पड़ता है। अगर हम क्लास की शुरुआत करते हैं ये प्रे करना कि हमारे पास आज जो है, हमारे पास स्कूल है, ग्राउंड है, हमारे पास एक गुरु है खिलाने के लिए, ये भी ग्रेटफुलनेस है। आज मध्य प्रदेश के कितने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन टीचर मिल रहा है? बहुत ही कम, वो भी हायर सेकेंडरी लेवल पर। तो ये भी कृतज्ञता होनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट मेरे स्कूल में गुरु तो है मुझे गाइड करने के लिए। तो कृतज्ञता एक अंदरूनी भाव है जिससे हम बच्चों में ये जागृत करें कि जो हमारे पास आज अभी है उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद होना चाहिए। इसको हम अलग अलग तरीकों से एम्फेसाइज कर सकते हैं। श्रुति ने बोला हम प्रेयर में अलग अलग चीजों के लिए, चलो आज हम गुरु के लिए कोई पोइम अपना कुछ प्रस्ताव रखेंगे, अपने प्रिंसिपल के लिए, स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए, गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए। तो अलग अलग तरीकों से इस भावना को हम जागृत कर सकते हैं। उदाहरण जो हमारे पास लोग आपको मिलेंगे कि ग्रेटफुलनेस पिछले, जब कभी भी हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं हमारा सक्सेस हमारे साथ है, पर ये भावना अगर पहले से जागृत की गई है तो ऐसा देखा गया है कि हमें बहुत ग्रेटफुल चैंपियंस मिलते हैं। और जैसे बैडमिंटन स्पोर्ट्स की बात करें, हमारे पास दो ही चैंपियन थे शुरू में, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद, बट आप ध्यान से देखिए कि वो कितने ग्रेटफुल थे सिस्टम के लिए, चाहे सिस्टम का उस टाइम चैलेंज था, पूरा सपोर्ट नहीं था, उन लोगों ने सिस्टम की ग्रेटफुलनेस रखते हुए पूरे स्पोर्ट्स को इस टाइम पे इंडिया में क्रिकेट के बाद नंबर टू पे ला दिया। और हमारे दो चैंपियन थे प्रकाश पादुकोण सर और गोपीचंद सर। तो ग्रेटफुलनेस कि जो हमें मिला उसके लिए थैंकफुल होना मन से, और उस भावना से वापस देना समाज को। नेक्स्ट वैल्यू डिस्कस करेंगे हम जो है रेवरेंस, श्रद्धा। रेवरेंस का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर। रेवरेंस का महत्व बच्चों के लिए बहुत, जब बच्चे गेम खेलते हैं तो कोई जीतता है कोई हारता है, तो जब बच्चे हार जाते हैं वो बहुत जेलस फील करते हैं जो बच्चा जीतता है। दे स्टार्ट फीलिंग वेरी जेलस ऑफ द पर्सन हु हैज विन द गेम। मगर जब बच्चे रेवरेंस प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने कॉम्पिटिटर से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, वह अपने आप से कम्पीट करते हैं, एक्सेलेंस की राह पर चलते हैं। और जब बच्चे दूसरों की एक्सेलेंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, दे अप्रिशिएट अदर्स विन, वह दूसरों की खुशी में भी खुद को सेलिब्रेट करते हैं। अमित, वुड यू लाइक टू डिस्कस दिस फर्दर? श्रद्धा की भावना हमारे शिक्षकगण में आपस में रखना और बच्चों में रखना बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। होता ये कि हम एक सपोज मैच ही खेल रहे हैं या कहीं पे खेलने गए, बात किए, तो जिस तरह का हम श्रद्धा रखते हैं बाकी लोगों के लिए, वो डिफाइन करते हैं हम कैसा वैल्यू बच्चों में पास ऑन करते हैं। श्रद्धा का भावना ये है कि मैं फाइनल में हार गया, जैसे कल दत्ता सर ने भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, मैं हार गया, मेरा एक विनर था, और मुझे ये भावना रखना कि ये मुझसे अच्छा था, ये मुझसे ना इन वाली चीजों में अच्छा है, मुझको सीखना है। ऐसा एक्सेप्टेंस कि मुझसे अच्छे और हो सकते हैं और मुझे उनसे सीखना है, इसको श्रद्धा की भावना बोलते हैं। और ये सिर्फ बच्चों ने, शिक्षक तक भी बहुत एप्लीकेबल है। आप सब लोग, अगर ब्रिजेश जी हैं, देवेंद्र जी हैं, महेंद्र जी हैं, सब लोग ये जाने कि अरे महेंद्र जी इस गेम में बहुत अच्छे हो सकते हैं और मुझे इस बात से खुशी है, मुझे श्रद्धा का भाव है उनसे, मुझे ये नहीं है कि अरे वो इतने, उनको इतना अच्छा क्रेडिट क्यों मिल रहा है। तो ये भावना जो है कि जो
चीजें अच्छी हैं उस खेल के लिए, उस काम को करने के लिए, उसमें वो अच्छे हैं, ये एक्सेप्टेंस करना, वो आपको श्रद्धा की भावना बोलते हैं। इसको हम अगर पी क्लास में लेके जाते हैं कि आप बच्चों को करो, कोई अच्छा करे तो उसके लिए अप्लॉड करे, मोटिवेट करना, ऐसा जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड या मोटिवेटेड नहीं है, एनकरेज करना आपस में बच्चों में, तो इन भावनाओं से हम रेवरेंस की फीलिंग जागृत करते हैं कि हम लोग इकट्ठे हैं और कुछ लोग अच्छे हैं अपने अपने एरिया में, उसमें जो अच्छाई है मुझको वो एक्सेप्टेंस है, मुझे उससे कंफ्लिक्ट नहीं है कि वो अच्छा क्यों है। इसको हम श्रद्धा की भावना बोलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम डिस्कस करेंगे ग्लोरी, गौरव। इसका मतलब ये है कि हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग दैट समवन मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जब कोई बच्चा मैच जीतता है या गेम जीतता है तो वो अपनी जीत की खुशी अपने कोचेस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, सपोर्ट स्टाफ के साथ, हेल्पर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और दूसरे प्लेयर्स के साथ शेयर करता है। ये ग्लोरी है। अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि इन सारे लोगों के एफर्ट्स का रिकग्निशन करें, उनको अक्नॉलेज करें, तो जो एफर्ट, जो सक्सेस मिलता है, इट विल बी शेयर्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन इन दैट जर्नी ऑफ एक्सेलेंस फॉर द स्टूडेंट। अमित सर, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? गौरव की भावना ऐसी है कि एक ऐसी समझ रखना कि मेरा जो आज सफलता मिली है मुझे, वो सिर्फ मेरी नहीं है, उसको हम गौरव की भावना कि मेरे पीछे बहुत लोगों ने मुझे काम कराया, मेरा पहला व्यायाम शिक्षक हुआ हो, चाहे मेरा कोचिज हो, मेरे पेरेंट्स हो, ऐसी भावना जागृत होना कि मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, उसको हम गौरव की भावना बोलते हैं। पी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एक अच्छी पी क्लास हम करा पाते हैं स्कूल में, तो इसमें स्कूल का स्पोर्ट्स स्टाफ, हमारे कोलीग्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारी मैनेजमेंट, सबका सहयोग है। और ये बात भावना मन में रखनी है कि उन सब के सहयोग से एक एरिया मिला जहां पर मैंने अच्छा पी क्लास कराया, अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, एक बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया। वो भी क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे सहयोग रहा और उसके कारण ये रिजल्ट आया। तो गौरव की भावना ऐसी होती है कि जब मैं सफलता सिर्फ अपनी नहीं सबके साथ शेयर करता हूँ और मैं उनको एक्नॉलेज भी करता हूँ। स्टूडेंट के लिए भी एक्नॉलेज सपोर्ट ऑफ ऑल टीचर्स, स्टाफ, फ्रेंड, कि उन सबके प्रयास से आपका रिजल्ट आया है। आप हमारे एक्टर हो, बट सब लोगों का प्रयास साथ है। छोटी छोटी चीजें, एक एग्जाम्पल मैंने कोच के साथ देखा था कि वो बच्चा जीत के आया तो कोच ने बोला, भाई बहुत अच्छी बात है आप लोग जीते, बट चलो आप किसको क्रेडिट देते हो इस चीज का? निकोल सर आपने ट्रेनिंग कराई मुझको, कहते अच्छा, और तुम्हें यहाँ तक सुबह कोचिंग कराने कौन लाता है? सर मेरे पापा मम्मी लाते हैं, अगर वो ना लाते तो आप कोचिंग कैसे करते? हाँ सर, तो चलो मन में उनका भी थैंक यू करो, भाई उन लोगों ने आपको हेल्प किया, आप तभी सफल हुए। और आप जहाँ खेलते हो, अगर मैं सब बच्चों को हटा दूं, आप अकेले दीवार पे मार के खेलो, आप चैंपियन बनोगे? नहीं। तो कहते आपके जो और साथी हैं खेलने वाले, इनके साथ प्रैक्टिस कर करके आप खेले? हाँ सर खेला। तो इन सबको मिठाई बांट के, क्योंकि इन सब के कारण आपका गेम इम्प्रूव हुआ है। आपके यहाँ जो पानी रखता है ग्राउंड में, अगर पानी ना तो आप खेलते कैसे? और उस कोच से मैंने सीखा कि छोटा सा जो गौरव का भावना है, ये कितना इजीली हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। छोटी सी बातें हैं, बट एक प्रोसेस में लाने वाली चीज है। तो जो तीन एक रीकैप कर रहे हैं कि विश्वास, सम्मान, आपकी मूलभूत भावनाएं हैं, इनके बगैर आप कोई और भावना ऊपर नहीं जा सकते। कि हम ऐसा समझे कि पूरा अगर ह्यूमन का रॉबिट है, हमारा रॉबोटिक सिस्टम है, हर ह्यूमन का जो वायरिंग है वो बिल्कुल सेम है, हम सब की नीयत सेम है कि हम खुद भी खुश रहना चाहते हैं, बाकियों को भी खुश रखना चाहते हैं, हम हर एक को उसके लेवल के हिसाब से सम्मान दें और उसको राइट इवैल्यूएट करें, सम्मान की भावना ट्रस्ट पे बिल्ड होगी, अफेक्शन हमारा स्नेह रहेगा, हम रिलेटेड फील करेंगे कि मेरा रिश्ता है इनसे, जब रिश्ता फील होगा तो मैं उसको तीन केयर गिविंग फीलिंग दूंगा कि उनका फिजिकल फैसिलिटीज दूंगा केयर की तरह, उनको गाइड करूंगा अच्छी समझ के थ्रू, और अफेक्शन स्नेह की भावना को तीन फीलिंग मैं रखूंगा। ग्रेटिट्यूड, रेवरेंस, ग्लोरी फीलिंग है, अगर मैं जो कुछ भी हूँ आज, ये बहुत सारे लोगों का प्रयास है,
उन सबको मैं मन में ध्यान रखूंगा और उनकी बिल्कुल सही भावना जनरेट करूंगा। प्रेम की भावना पूरे विश्व लेवल पे है कि हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है, पर वो पी क्लास में इतना रेलेवेंट नहीं है। श्रुति, आप एक्टिविटी करना चाहेंगे? श्योर। अभी हम एक्टिविटी करेंगे। हमको आइडेंटिफाई करना होगा जो एक्शन स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। फर्स्ट एक्शन इज प्रे, प्रेइंग बिफोर अ गेम। ये एक्शन किस वैल्यू से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है ग्रैटिट्यूड और केयर। कीजिए चैट बॉक्स पर। अगर हम बच्चों को प्रार्थना करने को बोलते हैं तो ये कृतज्ञता की भावना पैदा कर रहे हैं या ममता की भावना? जी जी, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, ममता, ग्रैटिट्यूड। ऑलराइट, द राइट आंसर इज ग्रैटिट्यूड। प्रेइंग बिफोर अ गेम, इट रिलेट्स टू वैल्यू ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट है गिविंग हैंडशेक टू द टीम मेंबर्स बिफोर अ गेम, किस वैल्यू से रिलेटेड? रेस्पेक्ट और केयर। रेस्पॉन्स टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। हैंडशेक बिफोर अ गेम, रेस्पेक्ट, केयर। सम्मान तक कौन सी भावना हम जागृत कर अगर हम? एंड द राइट आंसर इज रेस्पेक्ट। मोस्ट ऑफ यू आर राइट। नेक्स्ट है गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिफोर अ गेम, रिलेट्स टू विच वैल्यू? ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट। पी, टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देना गेम से पहले, ये किस वैल्यू से रिलेटेड है? ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट। ग्रैटिट्यूड ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड ट्रस्ट, मिक्स्ड आंसर्स हैं। एंड द राइट आंसर इज ट्रस्ट। इसमें गाइडेंस भी है, बल्कि इट्स रियली मोर गाइडेंस एज़ वेल। यस। वैल्यूज ड्यूरिंग अ गेम, वेयरिंग सेफ्टी वेयर ड्यूरिंग अ गेम, विच वैल्यू डज इट रिलेट टू? ग्रैटिट्यूड और केयर। केयर केयर केयर, बहुत जिन्होंने केयर दिया है रिस्पॉन्स में। एंड द राइट आंसर इज केयर। नेक्स्ट एक्शन इज हेल्पिंग टीम मेंबर्स और ओपोनेंट्स व्हेन दे फॉल, विच वैल्यू डज इट रिलेट टू? अफेक्शन और केयर। बहुत जिन्होंने केयर दिया है रिस्पॉन्स में, बट द राइट आंसर इज अफेक्शन। अगर कोई गेम में गिर जाता है तो उसको हेल्प करते हैं हम उठने के लिए, तो स्नेह फीलिंग होती है। And the right answer is affection. The next one, instructing for activities. अगर गेम के दौरान कोई भी changes हो, कोई भी new developments हो, उसमें instructions देना, which value does it relate to? Respect or guidance? बहुत जनों ने guidance दिया है, and the right answer is guidance. Thank you everybody. The next one is cheering opponents during a game. Which value does it relate to? Guidance or reverence? Cheering the opponents. Which value does it relate to? Reverence or guidance? Mixed answers hain yahan. Bahut kuch logon ne reverence likha hai, kuch logon ne guidance likha hai. And the right answer is reverence. Accepting of excellence matlab cheering for opponents bhi hota hai. Values after a game. Washing hands after a game, किस वैल्यू से रिलेटेड है? केयर और गाइडेंस। बहुत लोगों ने केयर का जवाब दिया है, एंड द राइट आंसर इज केयर। द नेक्स्ट एक्शन, हाई फाइव्स, गिविंग हाई फाइव्स आफ्टर अ गेम। गेम खत्म होने के बाद बच्चे एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं, ओपोनेंट टीम मेंबर्स से, अपने टीम मेंबर्स से। विच वैल्यू डज इट रिलेट टू? रेस्पेक्ट और केयर। सही जवाब है रेस्पेक्ट। बहुत जनों ने रेस्पेक्ट दिया है आंसर में। नेक्स्ट एक्शन, कंग्रेचुलेटिंग ओपोनेंट्स, विच वैल्यू डज इट रिलेट टू? ट्रस्ट और रेवरेंस। ट्रस्ट और रेवरेंस, यहां पर भी मिक्स्ड आंसर्स है, एंड द राइट आंसर इज रेवरेंस। द लास्ट एक्शन इज थैंकिंग ऑल आफ्टर द गेम, gratitude or guidance, किस value से related है? gratitude or guidance।
मिक्स्ड आंसर्स है, मगर बहुत जनों ने ग्रैटिट्यूड दिया है एंड द राइट आंसर इज ग्रैटिट्यूड. थैंक यू एवरीबडी फॉर रेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द एक्टिविटीज. आई होप यू ऑल एंजॉयड लिसनिंग टू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड हियर. सर यू कैन जस्ट डिस्कस द समरी ओवर हियर. थैंक यू श्रुति. तो ये एक हमारा प्रयास था एक नया पहलू जोड़ने का व्यायाम शिक्षा से, कि जीवन मूल्य देने का इससे अच्छा सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है. और एक मैं एक सेशन देख रहा था जीवन विद्या का ही, तो उसमें बड़ा अच्छा मुझे लाइन याद है कि शिक्षक को समाज का आईना नहीं बनना है, बल्कि समाज को आईना दिखाना है कि समाज ऐसा बन सकता है. तो समाज का निर्माण शिक्षक कर सकता है, जो समाज में हो रहा है उसका ही आईना शिक्षक बनेगा, तो आईना कौन दिखाएगा समाज को. तो उसने मुझे काफी मोटिवेट किया कि शिक्षक के पास बहुत ज्यादा शक्ति है समाज के निर्माण के लिए. और जब निर्माण कर रहे हैं बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑलराउंड, तो उसमें एक अच्छा इंसान समाज को देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और हमारे फिजिकल एजुकेशन क्लास सबसे अच्छा उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है. तो इस प्रयास के साथ आप सबको धन्यवाद देंगे. थैंक्स टू माय टीम श्रुति एज वेल. और इस जोश के साथ हम यहाँ से निकले कि हम ना सिर्फ बच्चों को फिजिकल एजुकेशन क्लास देंगे, बट इन क्लास के दौरान हम एक समाज निर्माण के लिए एक अच्छे मूल्य निर्माण भी करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अभी हम अगर हम 5 मिनट का 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि हमें सर्वे फॉर्म मैंने भरने को बोला था. मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ अपने ग्रुप में. 5 मिनट में आप वो भरेंगे, फिर हम लास्ट सेशन शुरू करेंगे. ये मैंने लिंक दोबारा भेजा आप सबको बिल्कुल अभी. सिर्फ 5 मिनट का कार्य है ये, आपको बाद में इसके बारे में प्रयास नहीं करना पड़ेगा. काफी लोगों ने भर दिया है, मेरे पास करीब 46 रिस्पॉन्स आ चुके हैं. बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अगर भर दे तो अभी हमारा ये काम फिनिश हो जाएगा, बाद में हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से ही हमें सर्टिफिकेशन जनरेट करने हैं. सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है. आप सबको लिंक मैंने इसी पे शेयर किया है. एल्फिया
बाकी इतने सब लोग फॉर्म भरे आप पिच में लिंक मैंने चैट पे डाला है अभी तो कुछ मिनट पहले भी डाला, दोबारा डाल रहा हूँ एक बार। बारह लिंक भेजा है और मैं व्हाट्सएप के जरिए भी उषा मैम तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि वो आगे डीएसओ को भेज सकते हैं। एल्फी आपको मैं होस्ट बना रहा हूं फॉर द असेसमेंट सेशन जो हमारा लास्ट सेशन है आज का। हेलो सर, मेरी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ एल्फिया। सर मेरी आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है। सर मैं स्टार्ट करूं या एक और शुरू करो फॉर्म? मैंने को भेज दिया, काफी लोग धीरे धीरे भरते रहेंगे, आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट सेशन है आज। तो लास्ट सेशन बेसिकली गुड आफ्टरनून तो ये हमारा लास्ट सेशन असेसमेंट के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है जब हम उनको हमने अगर आप ये 5 दिन का जो कोर्स हुआ है अभी आपने हमने हमारे साथ जो जुड़ के सेशन लिया है उसमें देखा होगा हमने स्टार्ट किया कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर टर्म्स क्या है, फिर उसके साथ हमने माइनर गेम्स देखे, इंडोर गेम देखे। उसका एक मेन पार्ट जब हम स्कूल में करते हैं कोई भी नॉलेज शेयरिंग या कुछ होता है तो उसको एसेस करते हैं। तो इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर रहेगा। कई मर्तबा हमें ये दो टर्म सुनने को मिलता है असेसमेंट और इवैल्यूएशन और हम सोचते हैं कि ये दो टर्म्स एक ही अनुसार है, एक ही मीनिंग है, बट इन दोनों का एक्चुअल पर्पस अलग अलग है। असेसमेंट का एक्चुअल पर्पस फॉर्मेटिव है, दैट इज इंक्रीज क्वालिटी, एंड असेसमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोसेस। किस तरह एक बच्चा जो करते हैं द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द आउटकम इज रिलेटेड टू असेसमेंट, वेयर एज इवैल्यूएशन इज द पर्पस। इवैल्यूएशन का जो पर्पस है वो समेटिव है, दैट इज चेक द स्टेटस ऑब्जेक्टिवली। Evaluation focuses on outcome. Evaluation end product, यानी जो outcome होता है उस पे focus करता है। Whereas assessment का ये focus है कि जो वो process end product को पहुंचने का जो process दौरान रहता है वो assessment पे। और PL जो physical literacy concept है वो output से ज्यादा process के बारे में बात करता है क्योंकि then कंटिन्यूटी जिंदगी में होती है पीएल को अचीव करने के लिए लाइफ लॉन्ग। तो प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है ना कि एंड प्रोडक्ट। आपको एक बेहतरीन क्रिकेटर या फुटबॉलर बनने के ऊपर नहीं है, बट आपको एक बेहतरीन इंडिविजुअल जो फिजिकली लाइफ लॉन्ग, दैट इज व्हाट पीएल फोकसेस ऑन। सो दैट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो इस सेशन में हमारा 3 मेन क्वेश्चंस जो हम आंसर करेंगे वो है असेसमेंट को रिलेटेड, व्हाट इज असेसमेंट,
why assessment and how assessment. तो इस सेशन में हम बस इन तीन टॉपिक्स को टच करेंगे कि असेसमेंट के बारे में बात होगी ज्यादातर. हम इवैल्यूएशन पे फोकस नहीं कर रहे कि असेसमेंट इज व्हाट, दैट इज व्हाट इज असेसमेंट, व्हाई डू वी नीड असेसमेंट एंड हाउ डू वी डू एन असेसमेंट. हम कुछ हमारे तरीके से डिजाइन किए हुए अप्रोचेस भी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. पहला सवाल, व्हाट इज असेसमेंट. तो मैं ये एक मिथ ब्रेकिंग सेशन बोलूंगी. हम जब भी असेसमेंट सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, अब तक की जो प्रैक्टिस रहा है वो जजमेंटल है. वो बताना है कि तुम क्लास में थर्ड आते हो इन 30 बच्चों में, वेरी कॉन्क्रीट जजमेंट देते हैं हम. टू गिव अ कॉन्क्रीट जजमेंट ऑन परफॉर्मेंस कि आप इन 30 बच्चों में एवरेज हो या गुड हो या पुअर हो या फेयर हो. There is a concrete, there is no appreciation. It's just like a concrete judgment given कि आप कहाँ stand करते हो इस सीढ़ी में. But ELMS का जो proposed practice है उसके अनुसार assessment का definition is an approach to teaching and learning that creates feedback which is then to improve performance. तो assessment जैसे मैंने बताया एक कंप्लीट प्रोसेस है. तो उस प्रोसेस में जो क्या बोलते हैं पीएल फैसिलिटेटर होता है, यानी आप लोग जब फीडबैक देते हो स्टूडेंट को, वो फीडबैक लेके जैसे स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है धीरे धीरे, वो है प्रपोज प्रैक्टिस के अनुसार डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट. और ये असेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो बस जो टीचिंग और लर्निंग होता है, क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलता है हम उस पे वर्क करते हैं. वी सी वेयर देयर इज अ लैग, हम कहां वो गैप छोड़ रहे हैं जिससे हम वो एंड प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाने दे रहे बच्चों को, तो हम हमारे ऊपर भी काम कर रहे हैं. सो देयर इज कंटीन्यूअस टीचिंग एंड लर्निंग हैपनिंग हिमसेल्फ. और तो ये जो आपकी स्क्रीन पे बॉक्स में जाके इसका आंसर दीजिए. Is the current fitness of a child determined by the physical fitness outcome alone or by the outcome of the activities done by the PE teacher with them in the PE class? So, इस question का ये हम ये पूछना चाहते हैं कि जो current fitness होता है बच्चों का वो बस उसके current physical fitness outcome के ही basis पे determine होता है या फिर आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज पी क्लास में जो एक पी पूरा एक्टिविटीज कराता है उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है. हेलो पार्टिसिपेंट्स, आई हैवन्ट गॉट आंसर्स. सर लोग बता रहे हैं कि मेरी साउंड क्लियर नहीं है. मेरी साउंड क्लियर है ना? मुझे ठीक आ रहा है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज कट कट के आ रही है. एल्फिया हाँ, साउंड प्रॉब्लम, नो साउंड ऐसे बोल रहे हैं. तो आप दोबारा कंटिन्यू करो, एक बार देखते हैं अगर कुछ आगे इश्यू आता है तो. मुझे ठीक लगे, ठीक है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ. जी हाँ, आई थिंक काफी पार्टिसिपेंट्स ने आंसर है कि इट इज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज डन बाय द पीई टीचर इन द पीई क्लास. सो एग्जैक्टली, खाली फिजिकल फिटनेस पे हम आउटकम, होलिस्टिक थिंग व्हाट द स्टूडेंट और द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस during the activities done in the PE class. तो मेरा second वाला है, जैसे हमने देखा what is assessment, तो हमने अभी देखा कि उसके क्या existing practices है, proposed practices क्या है, why assessment, assessment की जरूरत क्या है पहले जगह पे, क्यों करते हैं हम assessment.
तो हम इसको दो तरीके से देखेंगे, एक ट्रेडिशनली जो पहले क्यों किया जाता था और एक हम उसमें क्या नए एडिशनल पॉइंट्स डाल रहे हैं एज अ प्रपोज कॉन्सेप्ट फ्रॉम पीएल व्यू पॉइंट। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ये है कि हम असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम फिजिकल फिटनेस मेजर करें, बस यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का बात हो रहा है। सेकेंड वाला बोलते हैं कि बैटरी टेस्ट विद सेट नॉर्म्स टू मेजर फिजिकल कॉम्पिटेंसी, हम ओनली बैटरी टेस्ट के बेसिस पे असेसमेंट जज करते हैं। थोड़ी जगह असेसमेंट इसलिए भी करते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट करें और स्टोर करें और रखें। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ असेसमेंट है वो ग्रोथ मैच्योरिटी डेवलपमेंट, जिसके बारे में अमित सर और जैनब ने सेशन लिया था और बताया था कि लेसन प्लान जब डिजाइन होता है वो ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योरिटी, आप सबको याद होगा जो उन्होंने कर्व समझाया था, मेल और फीमेल का कर्व, जिसपे सर ने बताया था कि फीमेल्स को ज्यादा कंसिडर करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्योंकि वो अर्लियर फेज में आता है, मेल्स को लेटर फेज में। मैं बस क्विक लिंक क्रिएट कर रही हूँ। एग्जैक्टली, तो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योरिटी को इग्नोर करते या उसके बेसिस पे नहीं होते, इट इज केप्ट कंसिस्टेंट एंड कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, इट इज बेस्ड ऑन कंपेरिजन विद अदर्स, दिस इज द मेजर थिंग। पहले के जो असेसमेंट होते हैं इवन दूसरे सब्जेक्ट्स के आप लेके चलो, इंग्लिश, साइंस, सोशल, मैथ, सब असेसमेंट जो होते हैं वो कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, जैसे क्लास में फर्स्ट कौन आया, क्लास में सेकेंड कौन आया, क्लास में थर्ड कौन आया, लाइक इट्स लाइक नॉट कंपेरिजन विद योर परफॉर्मेंस टू योर अर्लियर परफॉर्मेंस बट योर परफॉर्मेंस टू विद योर फेलो क्लासमेट्स। असेसमेंट का एक और मेन पर्पस एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में ये भी है कि असेसमेंट इसलिए करना चाहिए ताकि हम लोग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में हम लोग को कोई आसानी हो या जो छुपे टैलेंट है हमें मिले। और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के जो असेसमेंट होते वो टेस्ट डिजाइन टू टेस्ट ऑल फिजिकल एट्रीब्यूट्स इन वन पीरियड, दैट इज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के जो ट्रेडिशनल असेसमेंट होते हैं वो एक ही दिन में सारे कॉम्पोनेंट्स को टच करने के बारे में बात करते हैं, जो रियल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अगर एनर्जी सिस्टम को लेके चले तो एरोबिक एनोरोबिक एक जब कम्प्लीटली लैप्स होता है, अगर आप एरोबिक की असेसमेंट कर रहे हो उसके बाद मिनिमम एक दिन गैप देना चाहिए ताकि आप एनोरोबिक कराओ, वरना वो रीडिंग्स नहीं नॉर्मल आती। जब आपका एनर्जी लेवल कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया और उसके द्वारा आपने एक और टेस्ट करवाया तो देर माइट बी फ्लक्चुएशन इन योर रीडिंग, maybe the student might not be able to give the best. additional points हम इसके साथ जो add करना चाहते हैं जो PL concept basis पे है वो कि PL approach के अनुसार assessment is to give feedback and improving. It's just the purpose is just to give feedback ki beta aaj aapne bahut badhiya performance kiya but these are the areas jahan aapko improvement ki zarurat hai. As a PET teacher we will all work together on achieving that gap what is there. So this is a proper like feedback on improvising. Be on the journey to do personal best. Yahan pe jo PL approach hai wahan pe hum jab एसेस करते तो हम एक को दूसरे बच्चे के साथ नहीं कंपेयर करते, हम अपने को अपने खुद के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते। जैसे जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी शायद मेरी किक इतनी अच्छी नहीं होगी जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया होगा, बट धीरे धीरे एज मैं पी क्लासेस वेंट ऑन उसका जो क्वार्टरली असेसमेंट हुआ मेरी किक फुटबॉल किकिंग एबिलिटी शायद इम्प्रूव हो गई, तो मेरा कंपेरिजन मेरे पहले के परफॉर्मेंस को जब मैंने स्टार्टिंग किकिंग सीखा था वर्सेस अभी होना चाहिए, ना अभी मेरी किकिंग कैसी है बेसिस ऑन द अदर्स बट योरसेल्फ एंड बी ऑन दैट पर्सनल बेस्ट जर्नी टू मेजर बोथ अनसीन एंड सीन वैल्यूज।
दत्ता सर से जब हमारी बात हो रही थी तो दत्ता सर ने हमें ये पॉइंट बताया था कि जो पीएल अप्रोच होता है वो बस सीन वैल्यूज ये होते हैं जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स रिलेटेड है, जो आपके स्ट्रेंथ पावर एंड्योरेंस, बट अनसीन वैल्यू जो आपकी थिंकिंग एबिलिटीज टैक्टिक्स स्किल्स यू नो ह्यूमन वैल्यूज, ये सारे अनसीन वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी देखता है। Modes are not restricting to battery test alone. जी हाँ, battery test एक type of approach है to measure your physical components, but that is not the only type. So there are various other types which has to be used to for different purpose of assessment. अगर आप mental assessment कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप battery test नहीं लेना चाहोगे. There are other tools. तो जो component आप assess कर रहे हो उसका right tool उठाना चाहिए, ना कि यूजर रॉन्ग आई मीन यूजर एग्जिस्टिंग टूल, क्योंकि यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग और दैट इज द वे हाउ इट इज बीन गोइंग ऑन। रिसर्च के साथ जो चेंजेस होते हैं हमें भी वो जो न्यू टूल्स आते हैं उनको अपने सेशन में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द अपग्रेडेशन डन इन दैट फील्ड। टू डिलीवर द बेस्ट इन द बेस्ट फॉर्म फॉर द रिसिपियंट, यानी अगर मैं एक पीटी टीचर हूँ, मैं 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ डील कर रही हूँ, मेरा जो लेसन प्लान है वो मैं ऐसे डिजाइन करूँ ताकि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने 6 स्टैंडर्ड बच्चों को एक्सपीरियंस देने में कामयाब रहूँ, तो पीएल अप्रोच ये बोलता है कि इट इज अ प्रोसेस। तो अगर मेरा प्रोसेस द डिलीवरिंग ऑफ लेसन प्लान लगातार बहुत अच्छा रहा तो मुझे आउटकम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आउटकम अच्छा होगा। द प्रोसेस अगर बच्चा इंजॉय करता है थ्रू आउट द जर्नी तो आउटकम अपने आप यू नो फ्रूटफुल होता है। बी अ फैसिलिटेटर इन द जर्नी, तो यहाँ पे पीएल अप्रोच में आप किसी को सही गलत नहीं बोलते, आप उनके जर्नी में उनको फैसिलिटेट करते हो अपने फीडबैक के द्वारा कि आप उनको किस तरीके से हेल्प करें उनके जर्नी में, उनको इम्प्रूव करने में विद योर फीडबैक्स। ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस यूजिंग द राइट अप्रोच टू असेस द राइट कंपोनेंट्स, जैसे मैंने बताया अगर आप मेंटल एट्रीब्यूट्स असेस कर रहे हो तो मेंटल स्केल यूज कीजिएगा, अगर आप उनका कॉन्फिडेंस अचीव कर रहे हो तो आप मिनी गेम्स डिजाइन कीजिए जिसमें आपका मेन फोकस होगा कॉन्फिडेंस ना कि उनका फिजिकल कॉम्पिटेंस। असेसमेंट फॉर ऑफ बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट, तो इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स बट इवन टीचर्स। जब भी हमें फीडबैक मिलता है वी हैव टू रीलुक एट आवर ओन प्लान्स एंड थिंक हाउ वी कैन मेक इट बेटर सो दैट वी एज पीटी टीचर्स कैन डू द बेस्ट इन गिविंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ best experience for my students so that they are on their personal best physical literacy journey. Assess health parameters. Additional points through PL approach में ये भी आता है कि आपको health parameters एक mandatory improve होना चाहिए, ना कि annually साल के beginning में, but क्वार्टरली आपको ट्रैक करना चाहिए, तभी आपके लेसन प्लान्स वेरी करेंगे एंड यू कैन कनेक्ट टू ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योरिटी, क्योंकि हर बच्चा एक तरह नहीं होता है, किसी की ग्रोथ जल्दी पिकअप होती है, किसी की ग्रोथ स्लो होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रोनोलॉजिकल एज, डेवलपमेंट एज जिसके बारे में ज़ैनब बता चुकी है ऑलरेडी। तो जैसे हम रेगुलरली असेसमेंट ऑफ हेल्थ पैरामीटर्स करते हैं और उन्हीं को सिखाते, जैसे आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठो, द बेस्ट टाइम टू मेजर योर रेस्टिंग हार्ट रेट इज तुरंत उठने के बाद, तो आप उनको पल्स चेकिंग सिखा सकते हैं। सो दिस कैन बी द एडिशनल वे हाउ यू कैन मेक देम इंडिपेंडेंट कि वो अपना हेल्थ पैरामीटर्स की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सो जो बोला तो अपने शिक्षकगण आप सब से ये कहने का प्रयास है, और हो सकता है ये नया चीज लगे आपको कि हमने असेसमेंट ऐसे तरीके से देखा कि जो हमको टेस्ट करना है वो इस पर डिपेंड नहीं करता मैं क्या कराता हूँ। किसी स्कूल में खो खो हो रहा है, कबड्डी हो रहा है, कहीं हैंडबॉल हो रहा है, तो
और सबका फिटनेस टेस्ट सेम होता है, तो जो असेसमेंट है वो उसका होना चाहिए जो हमने बच्चों को पढ़ाया और उससे जो इम्प्रूव हुआ वो असेसमेंट होना चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव रखा जा रहा है कि आप मैथ्स में कराते हो तो आपने पहला चैप्टर लिया, थर्ड तक चैप्टर तक पढ़ा, तीन चैप्टर का आपने एक असेसमेंट कर लिया कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम असेसमेंट एक ही रखेंगे, जो हमने बताया था कि एक पेड़ पे चढ़ना है, बंदर भी है, भालू भी है, हाथी भी है, शेर भी है, तो पहले से पक्का पता है कि बंदर जीतने वाला है, तो वो असेसमेंट हमको सोचने का जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने का जरूरत है कि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे क्या लिंक है, क्योंकि जो असेसमेंट है वो बच्चे नहीं टीचर का भी है। और ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है फिजिकल लिटरेसी के थ्रू कि असेसमेंट टीचर और बच्चे दोनों को इम्प्रूव करने पे हेल्प करना चाहिए, ना कि जजमेंट पास करने में। अभी आप बात करो कि अच्छा एजिलिटी मैंने हर साल चेक कर लिया, पर अगर पूरे साल मैंने एजिलिटी कराया ही नहीं बच्चे को, तो क्या फायदा होने वाला है उसका? सेम होगा और हम बोलेंगे बच्चा टैलेंटेड नहीं है। अगर हमने एक्टिविटी जो कराए, अगर हमने खो खो कराया, तो हम असेसमेंट ये कर सकते खो खो में जो मेरा फोकस था स्किल का, खो खो के थ्रू मैंने उसका स्पीड पे काम किया या उसके टर्न पे काम किया, तो असेसमेंट हमको ऐसा बनाना है कि जो हम सिखा रहे हैं, जो कक्षा में सिखा रहे हैं, उसी का असेसमेंट करें, क्योंकि असेसमेंट भी एग्जिट का बहुत बड़ा मॉडल है, बहुत ही बड़ा मॉडल है, जो बहुत सारे बच्चे कंडीशनड है, आई एम यूजिंग द वर्ड कंडीशनड, वो लोग एक तरह की एक्टिविटी करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनका बॉडी कंडीशन हो गया, वो रोज खेती बाड़ी करते हैं, अपर बॉडी स्ट्रांग हो गया, आपने असेसमेंट में पुशअप कराए, तो हमको ये चेक करना है क्या मैंने कराया वो ये उसका इम्पैक्ट है या पहले से ही बच्चे का आ रहा है। उसका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था वही बच्चा, गांव का आया खेती बाड़ी करके, और एक वो शहरी बच्चा है जो एक्टिविटी कम करता है, जो उनका इम्प्रूवमेंट हुआ वो हमारा क्रेडिट है, जो नेचुरली आ रहा है वो हमारा क्रेडिट नहीं है। तो छोटी सी बात समझाना चाह रहे हैं बड़े साधारण शब्दों में कि बच्चे को उस पे असेस करें जो हमने कराया है, जो बच्चा पहले से लेके आ रहा है अपने घर से, परिवार से, समाज से, ये उसका इनपुट है, उसमें जो हमने करके आउटपुट निकाला वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे मेजर करें उस पे फोकस होना चाहिए। और कुछ जैसे इसमें हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी जो असेसमेंट करा चुके हैं फिटनेस वाले, और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार फिट नहीं है तो वो खेलेगा नहीं, अदर साइड ऑफ इट, हो सकता है बच्चा आज फिट नहीं है पर वो कल को हो सकता है। और रमेश ने एक अच्छा एग्जांपल यूज किया था कि अगर अपने 11 साल की उम्र में बास्केटबॉल टीम बनाया तो जो उस समय सबसे लंबे बच्चे हम उनको लेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन 6 साल बाद सबसे अच्छा स्किल में होगा, सबसे अच्छा हाइट में होगा। तो असेसमेंट का एक प्रयास है कि हम जो करा रहे हैं उसी पे असेस करें, जो बच्चा जितना हमने इनपुट किया वो असेस करें, और जो अल्फे ने बताया कि प्रोग्रेस करना है, ऐसा अप्रोच पता नहीं कि बच्चा इम्प्रूव करे और मैं इम्प्रूव करूं, अगर वो डीमोटिवेट करे किसी को तो सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम असेसमेंट करने का जरूरत है कि नहीं। अल्फे आप आगे करिए। थैंक यू अमित सर, दैट पॉइंट्स वर वेरी क्रिटिकल फॉर दीज पीटी टीचर्स, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल, अमित सर ने जैसे बोला था ऑल स्टूडेंट शुड बी असिस्ट ऑन द सेम पैरामीटर्स, ट्रू और फॉल्स? मैं पार्टिसिपेंट से दरखास्त करती हूँ कि वो चैट बॉक्स में जाके रिप्लाई दे, फॉल्स। थैंक यू अमित सर, आई थिंक आपके एक्सप्लेनेशन के बाद काफी क्लियर हो चुका है कि All students should not be assessed on the same parameter. Next question ki aur. Assessment to be done for all students. I think alone by mistake aaya hai. To aapko lagta hai ki assessment is to be done for students. Pehli baat ye hai ki assessment zarurat bhi hai.
यस, काफी लोगों का यस आ रहा है कि असेसमेंट होना चाहिए, इसने फॉल्स भी बोला है, एक सारा रिस्पांस हेल्पफुल है। बैटरी टेस्ट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट, ट्रू और फॉल्स? यस यस ट्रू ओके सो जी हाँ, बैटरी टेस्ट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट, इज नॉट ओनली द असेसमेंट। अगर ये सवाल होता कि बैटरी टेस्ट इज द ओनली टाइप ऑफ असेसमेंट तो फिर इट वुड बी फॉल्स, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। द बेस्ट वे टू असेस इज नो असेसमेंट, डू यू एग्री कि असेसमेंट होना ही नहीं चाहिए? This is a very interesting question. मैं चाहूंगी कि discussion हो इस पे। No, false. No, false. मैं starting में कुछ truths आए, फिर false आए। So the best way to assess is no assessment. मैं as a person बोलूंगी कि This is false, क्योंकि assessment होना चाहिए, क्योंकि assessment के definition अनुसार हम outcome नहीं देख रहे, हम process देख रहे। अगर हम as a PE facilitator उस process में रहे तो assessment होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपकी scope of improvement कहाँ लगेंगे और आपके students को कहाँ पे improve करने की scope है। तो there is a progressive learning happening for both ends, that is the student end and teacher end. The best way of assessment is no assessment is an absolute false statement. Assessment is needed with a correct goal and a positive mindset ki hame assessment ke baad bacche ko ye nahi batana hai ki aap class mein fourth ho ya third ho, magar hame ye batana hai ki aap pehle se कितना बेहतर कर चुके हो या पहले से आपकी कंपैरेटिवली आपकी परफॉर्मेंस कितनी डिक्लाइन हुई है। तो जैसे हम बता रहे थे, ज्यादातर असेसमेंट फोकसेस होती है फिजिकल कॉम्पिटेंस पे, मगर पीएल अप्रोच ये बोलता है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन, फिजिकल कॉम्पिटेंसी, ये सबको मिला के होलिस्टिक इंडिविजुअल बनता है। तो जाहिर सी बात है जब हम एसेस भी करें तो ये सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ पीएल के जो है उनको कंसिडर करके एसेसमेंट के बारे में सोचें। जब भी हम कोई एसेसमेंट टूल उठाते हैं, बैटरी टेस्ट के अलावा एनी अदर क्वेश्चनेयर, गेम्स, ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्टिव स्किल्स टू एसेस, ये सिक्स जो आपके स्क्रीन पे स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहे इनको कंसिडर करना चाहिए। दैट इज जो भी हम टूल उठाए दैट शुड बी अप्रोप्रिएट एज टेकन अप्रोप्रिएटली एज पर द एज ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग डेल्ट विद, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। तो अगर बच्चों के साथ एक क्लास में डील कर रही हूँ तो मेरा असेसमेंट टूल जो मैं यूज करूँ वो should be helping me to finish the assessment of that many students in that limited time allotted. Agar main koi wrong tool istemal karu to it will go on and on. So then it's still to be considered ki hum kaun sa tool uthaye jo number of children ko target karte hue. Their cognitive level on understanding. Agar first standard bacche ko PE class mein khokho ke skills ke MCQs le या उनके बहुत सारे हाई फाई टेक्निकल चीजें के बारे में कॉग्निटिव लेवल अंडरस्टैंडिंग, जाहिर सी बात है बच्चा वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बेसिक कॉग्निटिव लेवल वहां तक पहुंची ही नहीं है। तो वॉट एवर वी सेलेक्ट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन। आपके जो क्वेश्चन फॉर्मिंग लैंग्वेजेस भी हो वो अगेन वेरी करिए कि आप कौन से क्लास के साथ डील कर रहे हो, आपका टोन, आपका वे ऑफ अप्रोच, आपकी जो गेम्स भी होती हैं लेसन प्लान्स में जो गेम्स भी होती है दैट शुड आल्सो बी बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन। टाइम कंस्ट्रेंट जैसे मैंने मेंशन किया,
whether the objective can be achieved. Last one should be based on the lesson or the session delivered. तो अगर हमारा session आज का खो खो में chasing रहा है तो मेरा assessment tool बस chasing को देखे या chasing component पे ध्यान रख के select किया जाए, क्योंकि मेरा purpose of evaluation chasing skill है, ना कि कोई other component. एक बार अल्फा पीछे वाले पे जाना, कुछ लोग आवाज कटने का समझ नहीं आया, मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं उनके लिए कि हमको कौन से पहलू ध्यान में रखने जब असेसमेंट करें बच्चे का एज ग्रुप. आपने जो समझा कि किस एज पे कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट है वो हमें समझ में आया. कितने बच्चों का असेसमेंट करना है, कितनी दफा करना है, बच्चों का समझ का करंट लेवल क्या है, कि आपको असेसमेंट ऐसा करना है कि बच्चे समझ पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए. अगर आधा घंटा आपको बताने में जा रहा है बच्चों को और उनकी समझ के परे है तो असेसमेंट हम अच्छा नहीं कर पाएंगे. समय कितना अलोकेट होता है हमको, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है. अगर हमें पीरियड ही एक मिलता है फिजिकल एजुकेशन का पूरे साल में, पूरे हफ्ते में सपोज, तो उसमें हम असेसमेंट करें तो 4 पीरियड हमारे वेस्ट होते हैं. तो करें ना करें, कैसे करें, एक और क्वेश्चन है. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, किसके अगेंस्ट असेसमेंट करें. हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों का, पहली क्लास वाले बच्चों को खुश रखना, या हमारा ये था छठी क्लास वाले बच्चों को मल्टीलेटरल डेवलपमेंट कराना. उस ऑब्जेक्टिव की अगेंस्ट असेसमेंट होना चाहिए. और लास्ट जो लिखा कि जो हमने उसको करने के लिए सेशन करे, हमने 15 क्लास करी, उन 15 क्लास के हिसाब से जो हमने कराया उसी से लिंक असेसमेंट होना चाहिए. अगर हमने 15 क्लास कराई है उस दौरान, सपोज स्ट्रेंथ की लेते हैं, सपोज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कराया हमने, तो हमारा असेसमेंट उससे लिंक होना चाहिए, अनलिंक नहीं होना चाहिए. वरना वो क्या होगा जो हमने बात की, अदरवाइज इवैल्यूएशन. हमने उसको सिखाया कबड्डी, असेसमेंट कर दिया किसी और चीज को लेकर. हल्फी नेक्स्ट. अल्फिया नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं हम. और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, व्हाट इज असेसमेंट, व्हाई असेसमेंट, और अब हम हमारे थर्ड पार्ट पे आए हैं, दैट इज हाउ टू असेस. तो वेरियस अप्रोचेस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस पीएल को असेस करने के लिए. व्हाट इज द पर्सन बेस्ट कैपेसिटी असेसमेंट, सेकंड वन सेल्फ इवैल्यूएशन, थर्ड वन इज प्रोग्रेस ट्रैकिंग अप्रोच. तो एक एक करके जानते हैं इन अप्रोचेस के बारे में. पर्सनल बेस्ट कैपेसिटी असेसमेंट, इसको हम अदरवाइज इब्स्टैटिव असेसमेंट टूल को इस्तेमाल करते हुए करते हैं असेसमेंट. इसमें हम एक इंडिविजुअल को कंपेयर नहीं करते ए टू बी, बट ए इज कंपेयर्ड ओवर हिज ओन परफॉर्मेंस ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम. तो दैट इज यू सेल्फ इवेल्युएट. आई मीन जो इस असेसमेंट को हम करते हैं, तभी अगर आज पी क्लास में स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मेरा अगर गेम में बॉडी फॉर्म या जो टेक्निक से मैं वो किकिंग कर रही थी बॉल का, उसमें मैं गुड हूँ, मेरा नेक्स्ट वाला 15 सेशन के बाद जो रहेगा असेसमेंट, उसमें मुझे मेरा मे बी थोड़ा सा फॉर्म और इम्प्रूव हुआ है, तो वो कंपैरिजन बेस्ड ऑन मेरा पहले वाला परफॉर्मेंस होगा, ना कि मैं अमित सर, जैनब, श्रुति जो एक ही क्लास में, मेरा कंपैरिजन अमित सर के साथ फॉर्म के साथ या अमित सर का फॉर्म मेरे साथ. नहीं, मेरा फॉर्म का कंपैरिजन मेरे पहले वाले परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा. तो पर्सनल बेस्ट यानी उस इंसान का पर्सनल बेस्ट जो पहले था उससे वो इंसान उभर के ऊपर आया है, उससे नीचे जा चुका है. इसको ऐड करूंगा जो हमने वैल्यूज का बात किया, उत्कृष्टता. उत्कृष्टता मैं अपने यहाँ बेस्ट कब बनता हूँ लाइफ में और कितने लंबे तक रिटेन कर सकूँ, वो फोकस रहे. तो इसको हम इप्सेटिव असेसमेंट बोला गया, बट अपना हिंदी भाषा में बात करें तो हम बात कर रहे हैं उत्कृष्टता की, कि हमें हर एक को उत्कृष्टता की तरफ ले जाना है, विशिष्टता पर ध्यान ज्यादा नहीं देना है. वो मेन मैसेज है. चलिए एल्फी नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हम जा एडवांटेज ऑफ
ये वाला ना, थोड़ा समय कम है। तो मैं क्या करूं सर, आप ये बताइए। वाला सही छोड़ सकते हैं, ये हमने फिर इसमें टच कर लिया। ठीक है मैं ये लेता हूँ। हाँ तो आपको जो फिजिकल लिटरेसी का हमने प्रस्ताव रखा था कि एक शारीरिक साक्षरता ऐसा हो सकता है, उससे हमने कुछ वर्ड यूज किए थे, प्लेफुल चाइल्ड, खेलकूद करने वाला बच्चा, इंटरेस्टेड एडोलेसेंट, थोड़ा रुचि रखने वाला बच्चा, और डेवलपिंग टीन, विकास करने वाला एक युवा। ऐसा तीन हमने वर्ड प्रपोज किए थे आपसे। तो बच्चों के एंगल से हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ प्रपोज कर रहे हैं कि फिजिकल कॉम्पिटेंस में बच्चों का कितना टाइप का मूवमेंट है, एक असेसमेंट हो सकता है। ऐसा कि बच्चों को बोले 10 टाइप का मूवमेंट करके दिखाओ, मुझे डांस आता है, मुझे चढ़ना आता है, मुझे हॉप करना आता है, एक तरीके का असेसमेंट हो सकता है कि बच्चे का वोकैबुलरी कितना बड़ा है। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि नई चीज में आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हो, बच्चों को नया एक्टिविटी दिया, ये चेक करना बच्चे कितने कॉन्फिडेंटली नया एक्टिविटी कर पाते हैं। आपने फंडामेंटल ज्यादा फोकस किया, एकदम से आपने उनको सपोज पकड़म पकड़ाई खिलाया या खो-खो खिलाया, कितने कॉन्फिडेंटली वो मूव करते हैं। और नॉलेज कॉन्फिडेंस के लिए कि क्या उनके परिवार में गुरुजन से वो कैसे लाइफस्टाइल उनका इमिटेट करते हैं कि मुझे उन जैसा बनना है, क्योंकि उनका नॉलेज हम ज्यादा चेक नहीं कर सकते। मोटिवेशन क्या रहता है कि मन में सोचना कि मेरा इस मैं कैसा बच्चा बनाना चाह रहा हूँ इस एज ग्रुप में। तो अगर पिछले फर्स्ट से थर्ड तक का बच्चा स्कूल में है, खेल रहा है, आईज एक्टिव है, बॉडी एनर्जेटिक है, वो अपने आप भी गेम डिजाइन कर रहा है, हर जगह नई नई चीजें खेल रहा है, कभी चढ़कर पेड़ पे चढ़ रहा है, घर वॉक करके जा रहा है, तो ऐसा असेसमेंट का हम आपको आइडिया दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ये बेस्ट तरीका है, पर चारों पहलुओं को लेके कुछ अगर असेसमेंट या अपने तरीके का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें डायरेक्शन ही सही रहेंगे। हम नेक्स्ट चलना है इसमें। नेक्स्ट देखिए सिमिलर ये फोर्थ और फिफ्थ का थोड़ा सा मूवमेंट उनका ज्यादा हो। अच्छा एक और चीज यहाँ पर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, जब बच्चा इंटरेस्ट लेता है तो खुद करना शुरू करता है। पहले आपने देखा बच्चा खेल रहा था, खुश है खेलने में, यहाँ पर बच्चा क्या है कि उसको मन करे, अगर वो बॉल खेलना है तो ऐसा स्टाप होकर अपने आप टॉस करता हुआ जाए, अपने आप ड्रिबल करता हुआ जाए, वो घर पे जाके अगर उसको खेलना है क्रिकेट दीवार पे मार के खेलता रहे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट देखना है। हमको इंटरेस्ट देखना है कि हर बच्चा किसी एक चीज के लिए खोया रहे, उसे वो खेल में मजा आए। घर में गया फुटबॉल से 3-4 बॉल से मारना शुरू हुआ तो उसकी दुनिया बन जाए खेल, ऐसा एक नजरिया है कि उसको हम कैसे असेसमेंट करेंगे, हम सब के लिए चैलेंज है। बट ऐसा बच्चा रहेगा तो हमें गारंटी रहेगा कि वो इंटरेस्ट रुचि बन रही है उसकी और वो अपने तरीके से भी खेलना चाह रहा है। नेक्स्ट चलना एल्पिया। सिक्स टू एट में बच्चे जिनको उनकी अलग अलग कॉम्पिटेंसी जनरल पैटर्न उनका डेवलप हो, मल्टीलेटरल वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो और पॉजिटिव फीडबैक लें कि अगर वो सपोज फुटबॉल खेल रहे हैं तो उनको पॉजिटिव फीडबैक कि तुम ऐसा करो तो ऐसा फुटबॉल स्किल अच्छा खेलोगे। उनको कुछ रोल मॉडल बन जाने चाहिए, चाहे कोच से इंस्पायर हो, किसी अपने सीनियर से कोई रोल मॉडल बनना चाहिए और वो अपने शिक्षक पर विश्वास करें कि सर मुझको ना गोल पिकिंग में गलती हो रहा है बार बार, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो मेंटली अब देखिए मेंटल स्टेज क्या है, इसमें मेरा रुचि बन गया, अब मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं फीडबैक भी ले रहा हूँ अपने कोच से पॉजिटिव, मैं नई नई चीजें और सीख रहा हूँ अपने एरिया में और मोटिवेशन में नई नई ड्रिल्स एक्टिविटीज खुद बना रहा हूँ, पर मेरा थोड़ा फोकस क्लियर है। 6वीं 7वीं 8वीं का बच्चा हूँ, मेरा कुछ फोकस क्लियर है, जो पहले मल्टीलेटरल था अब थोड़ा सा वो कंसोलिडेट हो रहा है। नेक्स्ट चलना है। और लास्ट वाले स्टेज पर कि बच्चा मास्टरी करना चाह रहा है, उसका सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकता है बच्चा कि नहीं मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है, वो ट्रस्ट करेगा सीनियर्स पे, टीचर से बात करेगा और उसका आपको भाव दिखाई देगा कि उसको
आपकी आइडेंटिटी बनानी है किसी एक एक्टिविटी के थ्रू, तो जो भी इंटरेस्ट है जिस भी एक्टिविटी में, कम्पिटिटिव होगा इस स्टेज पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव स्टेज पर आना। नॉलेज के लिए वो अपने आप सीख लेगा, आप वो बुक्स भी पढ़ सकता है, वो कंप्यूटर देख सकता है, अपने सीनियर से बात कर सकता है। तो ऐसा अगर डायरेक्शन है तो हमें ये इंश्योर है कि वो बच्चा लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहने वाला है। तो ये एक कुछ हमने सिंपल प्रस्ताव रखे आपके लिए कि हर स्टेज पर कैसे, आज यहाँ पर नहीं है अंकिता जैन, उन्होंने बड़ा अच्छा मॉडल बताया था, आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। वो पहला स्टेज था एक्सप्लोरेशन, दूसरा स्टेज था आपका एक्सपीरियंस, तीसरा एंगेजमेंट, चौथा एक्सीलेंस। E4 मॉडल उन्होंने बताया। एक्सप्लोरेशन मतलब बच्चा खुद एक्सप्लोर करके सीख रहा है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है, पत्थर मिला पत्थर से खेल लिया, बैग मिला बैग से खेल लिया, खेलना है एक्सप्लोरेशन। दूसरा एक्सपीरियंस, कि जो उसको पसंद है बार बार कर रहा है, एक्सपीरियंस में मजा आ रहा है, चाहे वो एक क्रिकेट बैट से दीवार में मारे जा रहा है 100 बार, उसको मजा आ रहा है और उनको ना आ रहा, एक्सपीरियंस इज द की, एक्सपीरियंस आना चाहिए। तीसरे स्टेज पर एंगेजमेंट, जो अपने आप को सरेंडर कर दे कोच को, एनवायरनमेंट को, कि मुझे वो टोटली एंगेज हूँ, आप जो कराओगे मैं वो खेलना चाहता हूँ। और चौथे स्टेज पर वो खुद का मन करेगा एक्सेलेंस करने का, मुझको इम्प्रूव करना है तो मैं कोच के साथ फैमिली के साथ इम्प्रूव करूंगा। तो ये चार शब्द बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे, एक्सप्लोरेशन, एक्सपीरियंस, एंगेजमेंट, एक्सेलेंस, ये चार जर्नी बच्चे की रहेगी तो वो फिजिकल लिटरेसी की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू अल्फी, आगे आप कवर करिए। ठीक है, तो पर्सनल बेस्ट जो हमारा एक था, उसके बाद सेकंड वाला सेल्फ इवैल्यूएशन अप्रोच। सेल्फ इवैल्यूएशन अप्रोच सिंपल है, इसमें इंडिविजुअल खुद इवैल्यूएट करता है कि वो उसके अनुसार अपने फिजिकल लिटरेसी जर्नी पे, फिजिकल कॉम्पिटेंस लेवल पे कहाँ पे है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे कहाँ पे है, उसकी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन किस लेवल पे, सो इट इज मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव। तो ये वाला जो आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक चार्ट है जो आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हो, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन मोटिवेशन, आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटी, एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव बेसिस पे इनको टिक करेंगे एंड देन यू कैन एक्चुअली ट्रैक कि वो प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। सो इट इज मोर ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टेलिंग वेयर दे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल कॉम्पिटेंसी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। इसमें जो भावना है आप बच्चे से पूछ सकते हैं, सेल्फ एटलीस्ट छठी के बाद बच्चा बता सकता है कि क्या मुझे अंदरूनी इच्छा होती है खेलने की, रेट करो चलो बेटा 1 से 5 तक, फर्स्ट मतलब हर टाइम इच्छा होती है, 4 कभी कभी हो थोड़ा कम होती है, 1 कभी नहीं होती, जब मैं खेलता हूँ तो मुझ में आत्मविश्वास होता है कि नहीं। तो एक सिंपल सर्वे टाइप भी तरीके से हम बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। चलो क्या प्रोग्रेस ट्रैकिंग अप्रोच, मैंने जैसे बताया कि असेसमेंट होता है आपका कंसर्न विद द प्रोग्रेस, तो आप ये ट्रैक कैसे करोगे? अगर आप एज अ पीटी टीचर, रियल लाइफ प्रॉब्लम ये होती है कि मैडम हम तहे दिल से करना तो चाहते बट स्टूडेंट्स बहुत है, अमित सर ने जैसे बताया हमें लिमिटेड क्लास स्लॉट मिलता है, उसमें हम पी क्लास का जो लेसन टारगेट है वो कंप्लीट करें या असेसमेंट करें? तो आप ये इजी टूल्स है जो यूज कर सकते हो और प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं हर स्टूडेंट के लिए, के आगे मोटिवेशन कॉन्फिडेंस के फर्स्ट लेटर्स लगा सकते हैं, कलर कोड, जो कलर कोड का पेन होता है उससे आप बता सकते हो कि वो ग्रीन जोन में है, येलो जोन में, रेड जोन में। इस दौरान आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि उसका लाइफ में वो कैसे ड्यूरिंग हिज पीई क्लास या कंप्लीट थ्रूआउट हिज जर्नी वो कैसे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या प्लेटू पे आ रहा है। सो दिस इज अ इजी वे। अगर आप एंटायर क्लास कंपैरिजन देखना चाहते हो कि आप पूरे 6th ग्रेड के साथ डील कर रहे हो जिसमें 6A, B, C बहुत सारे सेक्शन है, तो फुल क्लास के हिसाब से भी आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनका मोटिवेशन हाई है, ग्रीन जोन में, एवरेज है, और
इनको और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। असेसमेंट तक सेशन एंड नहीं होता है, असेसमेंट करने के बाद जो प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए हमने बोला पीटी टीचर को एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है। ये रोल प्ले करने के लिए फीडबैक की आउटकम होता है कि आप किस तरीके से वो जो रिजल्ट से इम्प्रोवाइज करने के कमेंट से वो आप उसको देते हो ताकि वो डीमोटिवेट नहीं हो जाए। तो ये सारे जो आपके आपको दिखाई दे रहे ये सारे की कॉम्पोनेंट है जो आपको जहन में रखने होंगे जब आप फीडबैक दोगे। हैज टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स एप्रिसिएशन ऑफ द एफर्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट मेड बाय ईच स्टूडेंट इन देयर रेस्पेक्टिव जर्नी। तो पहले डायरेक्टेड टूवर्ड एप्रिसिएशन, आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। फोकस ऑन हाउ दे कैन फर्दर इम्प्रूव देमसेल्व्स। काफी मरतबा ये सिचुएशन हमने देखा है या देखने को मिला है कि तू ना रहन दे, तुझसे ना होगा, तू हमेशा आता है, तू वहीं का वहीं रह जाता है। सो दैट सेंटेंसेस और फ्रेजेस व्हेन स्पोक टू आवर चिल्ड्रन इवन बाय देयर पेरेंट्स एक्चुअली डीमोटिवेट देम। इट एक्चुअली क्वेश्चंस देयर एग्जिस्टेंस कि क्या मुझ में वो एबिलिटीज है भी या नहीं। तो जितना हद तक बच्चा कर रहा है कोशिश उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द मेन स्टेप देयर। कन्वर्ट फिगर्स एंड नंबर्स टू फैक्चुअल पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैथ में स्टिल हम बोल सकते हो कि आपको 100 में 98 मिला, वेरी गुड, बट फिजिकल एक्टिविटी या पीई में जो हम बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स एट्रीब्यूट देखते हैं जैसे कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, फिजिकल कॉम्पिटेंसी, इन सबको हम क्यूमुलेट करके एक्चुअली फैक्चुअल पॉइंट्स में बता सकते हैं, ना कि नंबर्स में, क्योंकि नंबर्स में बच्चों के दिमाग में नंबर्स रह जाता है मगर जो पॉइंट पे उन्हें वर्क करना है वो उनके जहन में नहीं रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप ये नंबर्स और फिगर्स जो आपको इवैल्यूएशन या असेसमेंट में मिले आप उनको फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्टिव वे में बताएं ताकि वो पॉइंट्स उनके जहन में रह जाए। आपका जो असेसमेंट में फीडबैक देने का टोन होना चाहिए वो एम्पैथी एंड कंसिडरेट टोन होना चाहिए। आप लोग इस फील्ड में कई साल से हो, आप खुद भी बहुत सारे क्रिएटिव अप्रोचेस अडॉप्ट करते होंगे, उनको कंटिन्यू कीजिएगा। जो भी आप फीडबैक दोगे वो इम्पार्ट करना चाहिए पॉजिटिव टेक अवे, ना कि डीमोटिवेट द स्टूडेंट्स और डीमोटिवेट देम। अमित सर आप एक क्विक रीकैप दोगे इस सेशन का? आपने मुझे एक होस्ट बना दो एलपी एक, तो ना मुझे गवर्नमेंट की साइड से लोगों को इन्वॉल्व करना है। जी सर जी। तो इसको मैं सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप बच्चे से पेरेंट्स से जो बात करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि जो कागज पे लिखे। तो डॉक्टर वाला कहानी मान लीजिए, अब डॉक्टर ने कौन सा बीमारी लिखा, दवाई क्या लिखा, उससे आप ये पूछते हैं अरे भाई ये बताओ मोटा मोटा तौर पर मतलब सब कुछ कुशल मंगल है, ठीक हो जाऊंगा 5 दिन में। तो इसलिए फीडबैक का हमको इम्पोर्टेंस समझना है, क्योंकि वो लोग ना वो हमारे फील्ड को नहीं समझते, ना पेरेंट और बच्चे भी डेवलप कर रहे हैं। तो फीडबैक ऐसा कि पॉजिटिवली एनकरेजिंग हो, क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता और वो सोचेंगे जो हमें कोच एज ए कोच पी टीचर हम बोल रहे हैं वो उसी को पत्थर की लकीर मानते हैं। तो उसके ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन ऐसा करना है कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, एफर्ट दे रहा है बहुत अच्छी बात है, एफर्ट नहीं दे रहे मिलके प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको कड़ी से कड़ी जोड़नी है। हमको ये नहीं रखना कि किसी बच्चे को हम किस तरीके से एग्जिट करने का मौका दें, और उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको असेसमेंट कराएं, फीडबैक कराएं और इम्प्रूव कराते जाएं। ऐसा सोच के चलो कि जब मैथ्स का टेस्ट मिले तो कुछ लोग फेल हुए पास हुए वो ऐसा कुछ लोग खुश होंगे वो नहीं होंगे, फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब लोग हंसते हो जाए, उनका असेसमेंट ऐसा हो, अरे मेरे पिछली बार 2 पुशअप हो रहे थे 4 हो गए, इस बार 10 वाले के 20 हो गए, पर सबके सबके इम्प्रूवमेंट हो,
और जब ऐसा माहौल बनेगा तो हमारा स्पोर्ट सबको जोड़ सकता है, हमारा जो विषय है वो सबको जोड़ सकता है। और मैं आपके कोई फीडबैक भी देख रहा था, एक बड़ा अच्छा फीडबैक आया कि अगर हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी में होता तो और कनेक्ट होता, या लेसन प्लान्स भी। तो बिल्कुल सही, हम जब भी आपसे जुड़ने का अगला पड़ाव होगा हमारा, ये हमारा आपसे कमिटमेंट है कि हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी में होगा आपको आपके हिसाब से। और आप लोगों ने काफ़ी इनकरेजिंग फीडबैक दिया जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो उन सब के लिए धन्यवाद। और मुझे जैसे जीवन विद्या का बड़ा जीवन मूल्य वाला जो सेशन था, हम लोगों ने गुजरात में सेशन किया था, तो मध्य प्रदेश से कुछ लोग गए थे, उनके जो विचार थे जीवन मूल्य को लेके वो बड़े अच्छे लगे। और तभी आज हमने इस पर ज़्यादा समय भी गुजारा कि मध्य प्रदेश राज्य में वो चीज़ बड़ी स्ट्रांग है जो जीवन विद्या का कंपोनेंट है। और हमें भी लगता है कि फिजिकल एजुकेशन और जीवन विद्या का सम्मिश्रण ये इंश्योर करेगा कि ना सिर्फ हम चैंपियन बनाए कि एक अच्छा इंसान हम समाज को दें। तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं उषा मैम को भी एक बार अभी इनवाइट कर रहा हूँ कि मैम अपने विचार रखें। मैम आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उषा मैम, हाँ मैम बोल सकते हैं मैम आप। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिकल लिटरेसी पर आधारित ये कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम 20 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ संपन्न हुआ, और ये एलेंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन के अंतर्गत जिसके मुख्य संरक्षक हमारे गोपीचंद पुटलैला जी हैं, और कहाँ चला गया करुणा सूर्य है, उनके माध्यम से ये शुरू हुआ और उनके नेतृत्व में ही चल रहा था। मैं साथियों ये कहना चाहूंगी, ये जो ट्रेनिंग दी गई है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, और जैसा कि कमेंट्स बॉक्स में भी मैं देख रही थी कि सभी ने बहुत धन्यवाद दिया है और सभी ने अगली ट्रेनिंग की अपेक्षा भी की है। तो साथियों ये मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जो कोऑर्डिनेटर हैं जिनके माध्यम से हमें ये ट्रेनिंग का पूरा सेशन हमें मिला है, उन सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे ट्रेनिंग न केवल अभिभूत हुए हैं बल्कि इस ट्रेनिंग को जो 5 दिन उन्होंने सीखा है उसको पूरी तरह से आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे इस 5 दिन की ट्रेनिंग के दौरान जोड़कर देखने को मिला है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, इतना कहूंगी कि ये जो ट्रेनिंग में लाइव सेशन में हमारे चीफ बैडमिंटन कोच पुलेला जी ने जो अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया था उससे हमारे ट्रेनिस निश्चित रूप से बहुत उत्साहित हुए हैं, और उसी के साथ ओपनिंग वाले दिन ही जिस दिन उद्घाटन अवसर था हमारे डॉक्टर वी के दवास एलएनआईपीएस ग्वालियर से, उन्होंने भी बहुत अच्छा दिया था, उद्बोधन दिया था, जिससे बहुत उत्साह में हमारे ट्रेनीज की वृद्धि हुई है। और मैं ये कहना चाहूंगी इसके जो प्रयास हमारे जो प्रमुख सचिव हैं अरुण रश्मिशर्मा मैडम उनके द्वारा किए गए थे, और आपके माध्यम से कोऑर्डिनेशन हुआ था, हमारी सीपीआई मैडम, हमारे डायरेक्टर साहब द्विवेदी साहब, परसाई सर, उन सबके द्वारा एक अनुकरणीय पहल प्रारंभ की गई जिसकी वजह से आज ही हम 5 दिवसीय ट्रेनिंग का लाभ उठा पाए 5 दिवसीय ट्रेनिंग का लाभ उठा पाए। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि इस तरह का अवसर हमें आपकी तरफ से दोबारा फिर मिलेगा, दोबारा फिर जल्दी से जल्दी पहल करेंगे। और पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि जिन्होंने ये ट्रेनिंग की है आज ये 5 दिवस, उन्होंने बिल्कुल लगातार, वैसे तो नॉर्मली क्लास जो है आधा घंटा 45 मिनट या 50 मिनट्स की होती है, लेकिन हमारे ट्रेनीज ने लगातार 2 से 2.5 घंटे बैठ करके और इस ट्रेनिंग को समझा है, सीखा है ऑनलाइन के माध्यम से। ये उनको पहला सो अवसर था, मेरे लिए भी पहला सो अवसर था कि ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग कैसे ली जाती है। सचमुच में बहुत बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और अपने आप को बहुत अपडेट भी महसूस कर रहे हैं। ट्रेनिस जितने भी रहे हैं उन सबसे मेरी विभाग की ओर से अपेक्षा है कि आपने जो कुछ भी सीखा है इसको विद्यालय में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसको कैसे हम अपने बच्चों को उसका लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि रोल मॉडल आपको स्वयं बनना है, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। आपको स्वयं को अपना कर्तव्य बोध होना चाहिए कि हमें विद्यालयों में जाके क्या करना है, कैसे हमको बच्चों से जुड़ना है और कैसे हमको बच्चों से जुड़ के बढ़ के आगे इसको जो है लाभान्वित करना है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है और इस अवसर पर मैं सभी का, हमारे जितने भी ट्रेनीज रहे हैं
ट्रेनिंग दी है जिन्होंने, आल्फिया मैडम, जैनब, अमित सर आपका विशेष तौर पर, हमारे अश्विनी कुमार दत्ता सर LNIP जिनको बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था, और रमेश कुमार सर कोच, उन सभी का एक बार विभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और इसी आशा और विश्वास के साथ आगे जब भी हमें विभाग को जरूरत होगी आपका हमें जो है सहयोग मिलेगा और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन मिलेगा। ये आपका ट्रेन जो सेशन जो आपने किया था, बहुत हर चैप्टर को आपने इसमें कवर किया है और बहुत सार्थक रूप से उसको कवर किया है। मैं एक बार पुनः आप सभी का विभाग की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बार थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, और जल्दी मिलते हैं जैसा भी नेक्स्ट अगला पढ़ा रहता है।